चलो पीयूष स्टार्ट करो। यस सर। पहला क्वेश्चन सर ऐसा था कि जैसे मार्को सर जे दी हुई थी 3x3 की मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्री वन है, तो सर जैसे इन्होंने यहाँ पे बनाई भी है मैट्रिक्स 3x3 की मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्री वन है, तो सर इसके अगर हम आइगन वैल्यूज देखेंगे तो सर 3 0 0 आएगी। 3 इसलिए आएगी क्योंकि सर सम ऑफ ईच रो इज 3, तो सर 3 एक आइगन वैल्यू हो गई, और क्योंकि सर इसकी रैंक फुल नहीं है तो एक आइगन वैल्यू 0 जरूर होगी, और इस तरीके से ट्रेस 3 है सर। अगर मैं तीसरी आइगन वैल्यू को ए मान लेता हूँ तो ए प्लस 3 प्लस 0 इक्वल टू 3, तो वहां से ए भी 0 आ जाएगा, तो आइगन वैल्यू जो है 3 0 0 आ जाएगी। तो अब क्योंकि आइगन वैल्यू पॉजिटिव और 0 है तो इसका मतलब जे जो है वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा, तो बी ऑप्शन हमारे पास था कि जे इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, तो वो करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन ए था 0 एंड 3 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए, तो 0 और 3 आइगन वैल्यू है तो ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा। और डायगनलाइज के लिए अगर हम जाएंगे तो ए एम और जी एम चेक करेंगे, तो क्योंकि 3 वो इसकी ए एम बन है तो जी एम भी बन रहेगी, तो 0 की जो जो जी एम है वो भी 2 आ जाएगी, तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल है दोनों लैम्डा के लिए, तो इसका मतलब जे डायगनलाइजेबल भी हो जाएगा, तो इसका सर ए बी और सी होगा। फोर्थ कैसे डिस्कार्ड किया, फोर्थ फोर्थ नहीं फोर्थ कहते। फोर्थ में कहा है सर जे इज पॉजिटिव डेफिनेट, तो सर 0 आइगन वैल्यू है तो पॉजिटिव डेफिनेटली ये सेम पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा। सिंपल से पूछता हूँ, सिंपल कर दीजिए। ओके सही यस सर। किया है पीयूष ने, करेक्ट यस सर। है। सिद्धार्थ है, यस सर। ओके समझ आया सिद्धार्थ जो पीयूष ने बताया, क्या यस सर। समझ आया? सर जो हमारे पास मैट्रिक्स दी है उसमें आइगन वैल्यूज 3 और 0 हैं तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा, पॉजिटिव सेमी और डेफिनेट की कंडीशन क्या है? सर आइगन वैल्यूज सर पॉजिटिव डेफिनेट की है कि ग्रेटर देन 0, और पॉजिटिव सेमी डेफिनेट में अगर 0 भी हो तो। चाइनी यस सर, समझ आ गया? यस सर, चले आगे। यस सर, सेकंड क्वेश्चन। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये दिया होता कि सर मैं अपनी वाली करूं शेयर। हेलो। हाँ पूछूंगी, यस सर। तो सर क्वेश्चन नंबर 2 था जैसे ए और बी हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस है एन क्रॉस एन की, तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो हमें तो सबसे पहले मैंने ऑप्शन सी यहाँ पे किया हो, तो इसी को मैं सबसे पहले बताऊंगा। जैसे हमें दिया होता है कि ए इंटू बी अगर निलपोटेंट है तो हमें चेक करना है कि क्या बी इंटू ए भी निलपोटेंट होगा, तो अगर ए इंटू बी निलपोटेंट है तो हमें एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर के जरूर मिलेगा सच दैट ए इंटू बी की पावर के जो है वो 0 आएगा, तो थोड़ा स्क्रीन नीचे करना। तो अगर ए इंटू बी की पावर के 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी के टाइम्स इक्वल टू 0, फिर हम अगर प्री मल्टीप्लाई कर दें बी से और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें ए से तो फिर उसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं बी ए इंटू के प्लस 1 टाइम इक्वल टू 0, इसका मतलब बी इंटू ए की पावर के प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब बी ए भी निलपोटेंट होगा, इसका मतलब जब भी ए इंटू बी हमारे पास जब भी निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो बी इंटू ए भी निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। और ओके थोड़ा सा नीचे करना। फिर अगर हम ऑप्शन डी को देखें तो अगर ऑप्शन डी में हमें ए इन्वर्टिबल दिया हुआ था, तो अगर मैं ए इंटू बी में ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करूँ और ए से पोस्ट मल्टीप्लाई तो ये बी ए के इक्वल आएगा। अब सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है कि दो मैट्रिक्स सिमिलर कब होती है, अगर हमारे पास एक नॉन सिमिलर मैट्रिक्स मिल जाए पी सच दैट पी इनवर्स ए ए पी इक्वल बी हो जाए तो ये और भी सिमिलर होती है, तो यहाँ से ए बी और बी हमारी सिमिलर होगी क्योंकि एक नॉन सिमिलर मैट्रिक्स ए हमें सिमिलर ही है जिससे ए इनवर्स ए बी ए इक्वल टू बी ए आ रहा है, तो इसके अगर मैट्रिक्स सिमिलर है तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलीनोमियल इक्वल होगी दोनों की, तो ऑप्शन डी भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन बी के लिए मैंने काउंटर लिया हुआ है, अगर मैं ए और बी को आई ले लूँ क्योंकि ऑप्शन बी में कहा था कि अगर ए और बी इन्वर्टिबल है ए प्लस बी इन्वर्टिबल है तो क्या ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स इन्वर्टिबल होगा, तो अगर ए और बी को मैं आई ले रहा हूँ तो ए प्लस बी 2i होगा जो कि इन्वर्टिबल है, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जो हमें गिवन है।
अब हमें ये चेक करना था कि ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स इन्वर्टिबल होगा, तो यहाँ पे ए इनवर्स आई है, बी इनवर्स भी आई है, तो आई माइनस आई जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन रॉन्ग है। फिर ऑप्शन ए जो था हमारा, थोड़ा नीचे करना, ऑप्शन ए में हमें गिवन था कि ए बी और ए प्लस बी इन्वर्टिबल है, तो हमें चेक करना था कि क्या ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स इन्वर्टिबल होगा। तो अगर ए और बी इन्वर्टिबल है तो ए इनवर्स और बी इनवर्स भी इन्वर्टिबल होंगे, और ए प्लस बी इन्वर्टिबल है, ये तीन चीज़ हमें दी हुई है। तो अब अगर ए इनवर्स इन्वर्टिबल है तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और ए प्लस बी इन्वर्टिबल है तो उसका डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर मैं ए इनवर्स इंटू ए प्लस बी इंटू बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, फिर प्रॉपर्टी यूज होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको ओपन करके प्रॉपर्टी से खोलें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स, तो सभी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा हो ये इन्वर्टिबल हो गया, और अगर इसको हम ओपन करके देखें तो ये ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स ही है, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। और चाहे तो नीचे मैंने एक थ्योरम भी यहाँ लिखी हुई है कि अगर ए और बी और के वन इंटू ए प्लस के टू इंटू बी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, तो देन के टू इंटू ए इनवर्स प्लस के वन इंटू बी इनवर्स इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। प्रूफ सिमिलर चलेगा जैसे मैंने ऊपर वाला किया है, बस आपको इसमें कोफिशियंट के वन के टू से रिप्लेस कर देना, बाकी प्रूफ सेम है। तो इस थ्योरम का यूज भी आप कर सकते हैं, मतलब इन जनरल, तो किसी को अगर कोई डाउट है इसमें। यस सर, ठीक यस सर, ठीक है, है, करेक्ट है यस बीच सर, में जो बताया। ठीक, डिंपल करेक्ट यस है। कोई सर, यस और मेथड है तुम्हारे पास जिसको एक्सप्लेन करने का? सर, और मैं कुछ और तरीके से इसमें तो सर हर एक ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे ना, तो ऐसे सर, जनरल मेथड तो नहीं बोल सकते। इसको तो ऐसे देख भी सकते हैं ना कि ए और बी अगर इन्वर्टिबल हैं तो उनकी आइजन वैल्यू सारी सारी पॉजिटिव होंगी। ये सर मतलब उनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। ये सर, तो सर जो ए इनवर्स होगा उसकी जो आइजन वैल्यूज होंगी वो 1/λ आ जाएगी, तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा ना फिर। उनके समीक्षण के लिए कंडीशन रही थी यस सर, ए प्लस बी कहाँ यूज किया गया? ए प्लस बी भी इन्वर्टिबल है, वो कंडीशन कहाँ यूज की? सर अगर ए इन्वर्टिबल है बी इन्वर्टिबल हो गया तो ए प्लस बी बी इन्वर्टिबल हो जाएगा ना, क्योंकि उनकी अगर आई अगर ए तो वन इन्वर्टिबल अपॉन है पी इन्वर्टिबल है तो ए प्लस बी हमेशा इन्वर्टिबल होगा। सर ए प्लस बी जो होगा वो इन्वर्टिबल होगा जब आपका ए बी इक्वल टू बी होगा ना। ठीक है, वैसे डायरेक्ट ही दिख रहा था। ठीक है पीयूष, थर्ड क्वेश्चन। यस सर, थर्ड क्वेश्चन में हमारे को दिया होता है कि अगर ओमेगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन, बट ओमेगा वन नहीं है, फिर हमें मैट्रिक्स ए दी हुई थी और फिर हमें कुछ ऑप्शन दिए होते, हमें वेरीफाई करना थे कि कौन सही है कौन नहीं। थोड़ा सा नीचे करना, और नीचे और नीचे, तो हाँ बस बस ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें मैट्रिक्स ए में ओमेगा इक्वल टू वन नहीं है और ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन है, इसका मतलब ओमेगा है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ओमेगा, तो अगर हम हर एक रो का सम देखें, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वेयर, हर एक रो का सम 0 है, तो इसका मतलब 0 एक आइगन वैल्यू तो है ए की, तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, क्योंकि ऑप्शन सी यही था कि 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। और दूसरा ऑप्शन ए था ए इन्वर्टिबल होगा, तो क्योंकि 0 आइगन वैल्यू है तो डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तो ए इन्वर्टिबल नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन ए भी रॉन्ग हो गया। और रैंक मैंने यहाँ पे निकाली हुई है, तो रैंक इसकी 2 है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी यही था कि रैंक ऑफ ए 2 है, तो वो भी करेक्ट हो गया। फिर ऑप्शन डी में वो कह रहा था कि हमारे पास ऐसे दो एल आई वैक्टर्स मिलेंगे सच दैट
ए मतलब वी और डब्ल्यू दो ऐसे एल आई वैक्टर होंगे कि ए इंटू बी और ए इंटू डब्ल्यू दोनों जीरो होंगे, पर अगर मैं यहाँ पे ए एक्स इक्वल टू जीरो की मतलब डायमेंशन देखूं तो वन है, क्योंकि दो पाइवट मिल रहे हैं तो दो वेरिएबल रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, एक फ्री वेरिएबल है, तो इसका मतलब ए एक्स इक्वल टू जीरो जो उसका जो सोल्यूशन स्पेस है उसकी डायमेंशन वन है, तो इसका मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो एल आई वैक्टर मिल जाए सच दैट ए इंटू बी और ए डब्ल्यू दोनों जीरो हो जाए, तो इसका मतलब डी जो है रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका बी और सी करेक्ट होगा। सिद्धार्थ सिद्धार्थ समझ आया क्या बताया अरे कुछ उसने? पुलिस फिर से कर दे, प्लीज रिपीट। बार हितेश करता है, हितेश तुम करो। यस सर। सर आवाज आ रही है ना? हाँ हितेश आ रही है। ओके सर। सर यहाँ पे देख सकते हैं कि वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो सर इसका जो सम होगा मतलब हर एक रो का जो सम आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा, तो एक आइगन वैल्यू तो वहां से जीरो आ गई। तो सर यहाँ पे बोला है कि ए इज इन्वर्टिबल, तो अगर एक आइगन वैल्यू यहाँ से जीरो आ गई तो ए तो इन्वर्टिबल हो नहीं सकता। तो सर तो पहला पहला जो ऑप्शन है सर, जो पहला ऑप्शन है वो तो वैसे ही डिस्कार्ड हो जाएगा ये सर। अब इसका था कि ए रैंक टू है, तो अगर ये 3x3 के मैट्रिक्स है तो मतलब इसकी जो सब मैट्रिसेस हैं 2x2 की, उसका हर एक का डिटरमिनेंट जो है वो अगर रैंक टू है तो नॉन जीरो होना चाहिए। जब आप इसको देखेंगे तो ये नॉन जीरो आ रहा है, तो यहाँ से सेकंड करेक्ट हो गया। और सी तो वैसे ही है, क्योंकि अगर एक आइगन वैल्यू तो जीरो है तो सी जीरो इज एन आइगन वैल्यू। और अब सर लास्ट ऑप्शन था कि देर एग्जिस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स वी और डब्ल्यू सी थ्री से सच दैट ए वी इक्वल टू ए डब्ल्यू विच इज इक्वल टू जीरो। सर तो ये करेक्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। अगर एक आइगन वैल्यू इसकी ए है, हेलो सर आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ ही देश आ रही है। ओके सर। तो सर इसके इसके कोरिस्पॉन्डिंग मुझे एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिलेगा, तो ये जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा फिर। सिद्धार्थ कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है चले आगे। यस सर। ओके सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये दिया होता कि ए 4x4 की एक रियल मैट्रिक्स है और जिसकी आइगन वैल्यू हमें गिवन थी -1, 1, 2 एंड -2, और फिर हमें एक बी मैट्रिक्स दी है जो कि ए की पावर 4 -5A² + 5ID है, जहाँ पे आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो फिर हमें कुछ ऑप्शन दिए पीयूष होते। पीयूष यस सर पीयूष यस सर पीयूष अभी यस सर अभी अभी रुके, बाद में भी फोर्थ कंटिन्यू करिएगा ना। कह रहे अभी फोर्थ जो है बाद में कंटिन्यू करिएगा। ये मुझे यस बताइए सेकंड के सारे ऑप्शन आपने डिस्कस किए थे, जी सर यस सर ए बी सी डी ए चारों? यस सर ए सी डी आया था इसका सर। अच्छा, मैं एक्चुअली बाद में जुड़ा जब आप ये ऑप्शन शायद डिस्कस कर रहे थे। चलिए सर मैंने सर पहले सी किया और डी किया ना, उसके बाद ए किया। अभी अभी आप लोग का डिस्कस कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन मैं पहले कुछ आप लोगों को सरप्राइज दूंगा। ठीक है, तो यस सर ये दिस अपनी प्रेजेंटेशन हटा लीजिए, मैं कुछ लिखना है मुझे। ओके सर वैसे जो है ये मनिंदर के हिस्से का है, मनिंदर है ना?
यस सर। एक क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन वैसे जो एक्सरसाइज 15 दिया है उसका एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे नजर आया कि क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 15 का, लेट ए बी ए नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ए बी ए नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए रियल वेक्टर स्पेस वी, ऑन ए रियल वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस वी ऑफ डायमेंशन एन, ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन एन, लेट द सब स्पेस, लेट द सब स्पेस, सब स्पेस वी नॉट सबसेट ऑफ वी बी द इमेज ऑफ वी, बी द इमेज ऑफ, इमेज ऑफ वी अंडर लॉन, अंडर नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ए, लेट ए बी ए नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए रियल वेक्टर स्पेस वी ऑफ डायमेंशन एन, लेट द सब स्पेस वी नॉट सबसेट ऑफ वी बी द इमेज ऑफ वी अंडर ए, लेट के इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी नॉट इज लेस देन एन, सब स्पेस स्ट्रिक्टली लेस देन एन है, एंड सपोज दैट, एंड सपोज दैट, सपोज दैट फॉर सम लैम्डा, फॉर सम लैम्डा बिलोंगिंग टू आर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए दिया है, ठीक है, तो आपको बताना है इसका फर्स्ट ऑप्शन है लैम्डा इज इक्वल टू 1, सेकंड ऑप्शन है लैम्डा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर, आई थिंक मॉड ऑफ लैम्डा टू द पावर एन है, और सी है लैम्डा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ ए, लैम्डा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ ए, और फोर्थ ऑप्शन है देयर इज ए नॉन ट्रिवियल सब स्पेस, देयर इज ए, देयर इज ए नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल सब स्पेस, सब स्पेस given subset of V such that AX equal to 0, AX equal to 0 or X belonging to V1. Question फिर से देख लीजिए, question है let A be non-zero linear transformation on a real vector space V of dimension n, let the subspace V naught subset of V be the image of V under A, let K is equal to dimension of V naught which is less than n, and suppose that for some lambda belongs to R, A square equal to lambda A, then आपको बताना है इसमें से कौन सा true है. Aninder,
ये आपके हिस्से का है इसलिए। अनिंदर सर स्लाइड आगे करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे एक जो पॉइंट है, मेन जो पॉइंट है मैं आपको बताऊं, ये जो पॉइंट है कि ए स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा ए, ये गिवन है ना, ए स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए। उसके आधार पे आपको बताना है। अनिंदर सर, वैसे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए, तो उससे ये पता चल रहा है कि लैम्डा आइजन वैल्यू होगी। लैम्डा आइजन वैल्यू होगी, यस सर। ठीक है, और सर और नॉट बाकियों के लिए नॉट श्योर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। पीयूष आप जरा दिमाग लगाइए, तो पीयूष देखिए मैंने इतनी मेहनत से ये क्वेश्चन लिखा है, इतना लंबा चौड़ा नहीं सर। हाँ बोलिए सर, फर्स्ट ऑप्शन लैम्डा इज इक्वल टू वन है। लैम्डा वन नहीं लिखा क्या मैंने, लैम्डा इज इक्वल टू वन लिखा ही नहीं, ठीक है ऐसे ही लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन भी करेक्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, आंसर भी करेक्ट करना पड़ेगा, आंसर भी देना पड़ेगा। बताइए पीयूष कुछ बोलेंगे? यस सर, सोच रहा हूँ सर। सिंपल सर, सी आर डी। ओहो ऐसे, चलिए ऐसे ऐसे थोड़ी ना मैजिक क्वेश्चन मैंने ढूंढा है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, अल्फा ले लेता हूँ, जीरो 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 अल्फा ले लीजिए, बल्कि लैम्डा ले लीजिए, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे ए स्क्वायर क्या आएगा, कौन बताएगा ए स्क्वायर क्या आएगा? लैम्डा की जगह सर लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, बाकी जीरो। और छोटा ले लो, अंडर रूट लैम्डा कर दूँ क्या, ताकि हम एकदम उसी तरह से आ जाए। आप बताइए ए स्क्वायर लैम्डा आ जाएगा इसकी जगह, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा इसकी जगह सर लैम्डा आ जाएगा ना, रूट लैम्डा की जगह, बाकी सारे जीरो। ये लैम्डा हो जाएगा, बाकी सब जीरो। नितेश ठीक है ये? यस सर। डिंपल? यस सर। मनिंदर? यस सर। सही है? यस सर। इसमें कोई तो मैंने बहुत कोई जादूगरी तो की नहीं है। यस सर। नहीं ना, तो इसको इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ, रूट लेमडा टाइम्स ए, तो कोई समस्या तो होगी नहीं, ऐसे लिख सकता हूँ ना। कुछ और मान लूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेमडा को एन मान लेता हूँ, एन स्क्वायर मान लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसा ऐसा हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, जहाँ एन कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू एन टाइम्स ए, ये ठीक है अपनी सुविधा के लिए मैंने ले लिया। वो अंडर रूट आ रहा था, अंडर रूट देखने में अच्छा लगता नहीं है, ये ठीक लग रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू एन ए। बोलिए। यस सर। यस सर। सही है, सही है। आप जरा देखिए, कह रहे लैम्डा की वैल्यू वन होगी, सही है? बोलिए सर। अनिंदर बोल नहीं रहे,
यस सर, होगी? यस हो सकती है। लैम्डा इज इक्वल टू वन लिख रहा है स्पेशली, मतलब इसका मतलब ये कह रहा है कि ऑलवेज, अगर इस तरह से वो स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब लैम्डा इज वन ऑलवेज, लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा तो जेड पॉजिटिव को बिलोंग कर रहा है। अरे मैंने तो एग्जांपल लिया है, एक लिया है तो ये कह रहा है, तो यहाँ तो मुझे दिख रहा है ना कि लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिया, कुछ और ले सकते थे ना? Yes, तो ये लेमडा कोई जरूरी थोड़ी ना कि वन आए। सिद्धार्थ क्या लेमडा हमेशा वन आएगा? सर जरूरी नहीं है। चलिए चलिए दूसरी चीज देखिए, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट क्या हमेशा लेमडा टू द पावर एन आएगा, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसमें डिटरमिनेंट क्या आ रहा है? जीरो। इसमें डिटरमिनेंट क्या आ रहा है मनिंदर? जीरो सर, जीरो आ रहा है ना। ये तो कह रहा है कि डिटरमिनेंट हमेशा लैम्डा टू द पावर एन आएगा, ये क्या हुआ? बी सिंपल, यस सर, ये आंसर बोला था, सी और डी बोला था सर। चलिए सी पे भी देख लेते हैं, लैम्डा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है? यस सर, लैम्डा जो है आइजन वैल्यू है ए का, ये सही है? रॉन्ग है। यस सर, कौन रॉन्ग बोला? सर मनिंदर, मनिंदर कैसे रॉन्ग? मनिंदर सर एक तो ये दिया ना कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए, तो मतलब अगर मैं लैम्डा टाइम्स ए को लेफ्ट साइड ले जाऊं, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा टाइम ए इज इक्वल टू जीरो, ए इनटू लैम्डा, ए इनटू ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, तो ए की एक वैल्यू जीरो आ रही है और एक वैल्यू लैम्डा आ रही है। आइजन वैल्यू पता, आइजन वैल्यू कह रहा है ये कि लैम्डा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ ए, यस या नो? यस सर, सी को तो कह रहे नो, अभी बोल रहे यस, ये क्या हो गया? अभी तो नो बोले फिर कह रहे यस? नहीं सर मैं यस ही बोल रहा था। नो सर मैंने बोला सर, नहीं होगी सर, इसमें भी तो नहीं है सर, ए में क्या जो हमने एग्जांपल लिया ए सर, इसमें भी कहाँ है लैम्डा आइगन वैल्यू? रूट लैम्डा जीरो जीरो है। और सर ऐसे भी सर जो यहाँ पे जो है सर जो दिया है हमें ए स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा है, तो यहाँ से सर जो ए स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो यानी एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स इक्वल जीरो वो एनिहिलेटिंग पॉलीनोमियल है सर, जरूरी नहीं है ना? एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स इज एनिहिलेटिंग पॉलीनोमियल, ठीक है? तो सर जरूरी नहीं है ना कि इसके रूट्स आइगन वैल्यू हो ही हो, मिनिमल पॉलीनोमियल इसको डिवाइड करता है ना सर? हाँ 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 यस सर, तो जरूरी नहीं इसके सारे रूट आइगन वैल्यू हो। डिंपल आप क्या कहते हो सर? क्योंकि यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है ना सर, x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू लैम्डा। सर अगर x इज इक्वल टू जीरो हो गया मतलब कि दो, अगर सारी आइगन वैल्यू जीरो होगी इसका मतलब कि निलपोटेंट मैट्रिक्स है, बट निलपोटेंट मैट्रिक्स हो नहीं सकती सर ये, क्योंकि इंडेक्स कभी ए रेज टू पावर अगर हम एन करेंगे वो जीरो नहीं आएगा कभी। नहीं आप जीरो मैट्रिक्स ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, मेरा मतलब कि सर जैसे ए स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ए दिया ना सर, तो एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, एक्स इंटू एक्स माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू लैम्डा, मतलब दो चॉइसेस, आइगन वैल्यू जीरो और लैम्डा हो सकती है या दोनों हो सकती है। तो सर अगर हम लैम्डा को ना लें सर, इस सारी आइगन वैल्यू जीरो है सर, इसका मतलब इम्प्लाई करेगा सर कि ए निलपोटेंट मैट्रिक्स है, मतलब केवल अगर आप एक्स लेते हैं तो। यस सर, केवल अगर जीरो वैल्यू, जीरो आइगन वैल्यू लेते हैं तो इसका मतलब निलपोटेंट मैट्रिक्स है, बट निलपोटेंट मैट्रिक्स हो नहीं सकती सर ये, क्योंकि फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी सर ये, अगर हम नॉन जीरो मैट्रिक्स लेना ए स्क्वायर को, क्योंकि दिया है सर नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ए ए नॉन जीरो दिया है, तो ए इस, तो मतलब ये कहने मतलब कि आप अगर लैम्डा को अगर आप हटा देते हैं तो, यस सर, तो ये क्या कहते हैं आप, यहाँ पे आपको जो एनालिटिंग पॉलीनोमियल मिलेगा वो एक्स मिलेगा ही ना? यस सर,
और उस समय एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तब उसके बाद तो इसका मतलब सर लैम्डा एक आइगन वैल्यू होनी ही चाहिए। और देखिए और कोई है? और डी सर, डी भी, डी तो ठीक हो गया ना सर। चलिए डी में देखिए क्या, डी बताइए। डी में सर जैसे डायमेंशन दिया ना रैन स्पेस का, वो लेस देन एन दिया, लेस देन एन दिया ना सर, इसका मतलब नलिटी ग्रेटर देन वन है, बल्कि ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो एक नॉन ट्रिवियल सबस्पेस मिलेगा ही सर, नल स्पेस, तो ये ठीक हो जाएगा सर। चलिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, यस सर, नलिटी ग्रेटर देन वन है तो ये किसका नॉन ट्रिवियल सब स्पेस इस तरह का मिलेगा ही मिलेगा। यस सर, ठीक है, डी इसे सर यूज करेक्ट माना जाए सी वाले सर को? मेरे को समझ नहीं आया सर, जैसे ए नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स तो हो सकती है ना सर, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं ले सकते हम, क्योंकि जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है सर जीरो मैट्रिक्स, तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स हमेशा से आ सकती है कहाँ पे? ये सर, देखिए जैसे ना, इसमें नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है यस सर। और जीरो जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से जो मैट्रिक्स मिलेगी वो किस तरह की मिलेगी, किससे जीरो मैट्रिक्स मिलेगी बताइए? जीरो मैट्रिक्स, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन से जीरो मैट्रिक्स मिलेगी, यस सर, यही कहना है इनका। ये है कि ये कह रहे हैं कि ए जो है हमेशा जो है नॉन जीरो चाहिए, और जैसे आप लेमडा को हटा देंगे, कुछ नहीं लेंगे, ठीक है, तो वहां ए की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। इनको नॉन जीरो डिस्कार्ड करने के लिए, क्योंकि अगर आप यहाँ लेमडा नहीं लेते हैं, इनका कहना ये है कि आपके पास एक एक्स है और एक एक्स माइनस लेमडा है ना, तो कह रहे हैं अगर ये नहीं लेते हैं, मान लेते हैं कि उसका आइजन वैल्यू लेमडा नहीं है, तो लेमडा आइजन वैल्यू नहीं है तो एक्स तो ले सकते हैं ना, जीरो आइजन वैल्यू तो ले ही सकते हैं। हाँ, यस सर, इस केस में ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि जो है आपकी जो है सारा जीरो हो जाए, मैट्रिक्स से जीरो हो जाए, तो उसी को बात कर रहे हैं कि ये जीरो नहीं लेना है आपने। तो फिलहाल मैं मान लेता हूं, फिलहाल सी और डी एग्री हैं आप यूज, वैसे चेक करेंगे यस सर समझ गया सर। नहीं, आप थोड़ा और चेक करिएगा सी, आप पे और चेक करिएगा, ठीक है, सी पे और चेक करिएगा, ठीक है, वैसे सी और डी करेक्ट है एज पर डिस्कशन। डिंपल कुछ बोल रहे हैं? नहीं सर, अनिल बोल रहे हैं। अनिल बोल रहे हैं, हाँ सर, डिम्पल ने बताया भी, मतलब अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इस तरह की कंडीशन ही आ सकती है, मतलब इसमें बोला था डिम्पल ने, है ना डिम्पल? यस सर, निलपोटेंट हो हाँ नहीं मतलब सकते सर। गिवन नेवर, हाँ मतलब गिवन हाइपोथेसिस को जस्टिफाई नहीं कर पाएगी, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ। चलिए अभी और देखिएगा इसको, और चेक करिएगा, ठीक है, अभी ये तो ठीक है, इसको और चेक करिएगा, देखिएगा पॉसिबिलिटी क्या है, जितनी भी पॉसिबिलिटी है और एक्सप्लोर करिएगा। मनिंदर है ही वैसे, मनिंदर के जिम्मे क्वेश्चन है ये, मनिंदर यस मनिंदर अभी और सोचेंगे इस पर, ठीक है, यस इस पर और सोचेंगे। और मनिंदर के हिस्से का ही है कि एक बड़े दिनों बाद जो है मैंने ये देखा एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का ना, ऐसे मुझे अच्छा लगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 ना, मनिंदर के हिस्से का है ये, श्री, हमारे में भी है है? इस तरह आपने का सर, भी हमारे में भी है, ऑटोनोमस सिस्टम का होगा ना ये, बॉडी का। कंसीडर कंसीडर द सिस्टम ऑफ, देखिए ऐसे है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डी डी एक्स ऑफ वाई और वाई जीरो इज इक्वल टू टू माइनस वन वेयर ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो है 1, 2 और सेकेंड रो है 0, -1 मंदिर देखिए ठीक है ये 1, 2, 0, -1 यस सर एंड वाई इज इक्वल टू दिया है वाई इज व्हाट वाई इज कॉलम वेक्टर 2, -1 है y जो दिया है ये है y1x और y2x ठीक है तो आपको बताना है देन ऑप्शन है y1x टेंड्स टू इंफिनिटी और फिर उसके बाद y2x टेंड्स टू 0 एज ex टेंड्स टू इंफिनिटी ये है फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है y1x टेंड्स टू 0 एंड y2x टेंड्स टू 0 y2x tends to 0 as x tends to infinity और c ऑप्शन है y1x tends to infinity and y2x tends to minus infinity as x tends to minus infinity ठीक है सेट चला गया a b c ये ऑप्शन है y1x एंड y2x both tends to minus infinity as x tends to minus infinity तो दो प्लस इंफिनिटी पे है दो माइनस इंफिनिटी के लिए तो क्यूज जरा बताइए कैसे करें तो क्यूज से मनिंदर ही बताए मनिंदर का है क्वेश्चन है तो मनिंदर ही बताए मनिंदर सर नो आइडिया अरे नो आइडिया क्या बात कर दी आपने है ये तो आसान क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन लगाना होता है साइनी है कि नहीं साइनी यस सर कैसे कैसे सॉल्व करें सर ट्राई करते हैं अरे ट्राई मत करिए हम कह रहे हैं कैसे सॉल्व करें हमको बताइए मुझे बताइए कैसे सॉल्व करें बस ये तो लॉजिक लगने वाली नहीं है यहाँ कोई ना कोई लॉजिक वॉजिक नहीं लगेगी बस क्वेश्चन सॉल्व करना है या हमारी सारी लॉजिक फेल हो जाएगी या हमें क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा सैनी कैसे सॉल्व करें मैं सिद्धार्थ से पूछता हूँ सिद्धार्थ सिद्धार्थ जी यस सर कैसे सॉल्व करें इसको आप सब में डिफरेंशियल इक्वेशन किसका स्ट्रॉन्ग है यूज का सिद्धार्थ ये तो बता ही सकते हैं ये तो बता ही सकते हैं आप लोगों में सबसे स्ट्रॉन्ग किसका है डिफरेंशियल इक्वेशन पता नहीं सर हमारे अभी था नहीं सर सिलेबस में अरे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था
नहीं सर। अरे ऐसे कैसे कह रहे हैं आप, ये तो प्लस टू का क्वेश्चन है, प्लस टू का डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था, आर्डी डिफरेंशियल इक्वेशन। यस उस टाइम तो था सर। तो वही तो है, नहीं नजर आ रहा है, वही तो है, ये प्लस टू वाला ही तो है सर। ए को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और y का डिफरेंशियल ले लेंगे तो कुछ ऐसे इक्वेशन बन जाएगी, y1 dash is equal to y2 into something plus y1 into something and y2 dash is equal to y1 into something plus y2 into something, शायद ऐसे। शायद ऐसे, अच्छा इसमें भी शायद, यूस कुछ बोले आप, समझे आप लोग के आप लॉजिक लगा लगा बहुत खुश हो जा रहे हैं ना कि चलो बहुत अच्छा कर दिया मैंने, ये हो गया सही, हो गया सॉल्व नहीं करना पड़ रहा है। हितेश यस सर बताइए जरा सर, मेरे को इनका लॉजिक सही लग रहा है ना जो मनिंदर ने बताया, क्योंकि सर इससे मेरे को दो इक्वेशन मिल जाएगी ना, एक तो मिल जाएगा कि y2 डैश का डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस ऑफ y2 x है, वहां से एक मतलब सिस्टम मिल जाएगा तो उसको सॉल्व करेंगे सर। पर सही एकदम सही बोला वो, लेकिन वो शायद बोल रहे थे साहब, सुना नहीं आपने मनिंदर, उसको भी शायद बोल रहे थे, उसको भी शायद लगा रहे थे सर, फिर मुझे पता नहीं चलता था लिमिट कैसे अप्रोच करा हूं बाद में। अरे आंसर तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, आंसर तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है, हमें तो मेन इसको दिखा फोकस करना है। ठीक है तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि आपने एज यूजुअल जो दिया है उसको आप लिखें, ये लिखा है डी डी एक्स ऑफ वाई, तो ये एक्चुअली ये वाई वन डैश है और ये वाई टू डैश है। ठीक है और इधर की तरफ बात करें, राइट हैंड साइड ए वाई, ए है वन टू, मनिंदर बोलिएगा रो वाइज वन टू, दूसरे रो में क्या है, जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन, और उसके बाद वाई है तो वाई का मतलब वाई वन वाई टू, ये छोटा सा क्वेश्चन दिया है। ठीक है और अब यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम वाई वन प्लस टू वाई टू। ठीक है और कितना आएगा बच्चा, माइनस वाई टू, यस सर, तो यहाँ वाई वन डैश इज इक्वल टू वाई वन प्लस टू वाई टू, एक इक्वेशन नंबर वन, और दूसरा 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 कहा गया वाई टू डैश इज इक्वल टू क्या आएगा बोलिए, माइनस माइनस वाई टू, माइनस वाई टू। अब ये तो बड़ा आसान है, ये तो मैं ऐसे कर सकते हैं आप, वाई टू डैश बाई वाई टू इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे लिख दो तो समझ में आएगा, डी वाई टू इसको इस लिख रहा हूँ, डी वाई टू बाई वाई टू इज इक्वल टू माइनस डी एक्स, ये ठीक आ रहा है समझ में, इसको लॉग वाई टू इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स आएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, लॉग वाई टू इक्वल टू माइनस लॉग वाई टू, लॉग वाई टू बोलिए 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 बोलिए, लॉग वाई टू इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस एक्स प्लस लॉग सी वन, लॉग सी वन, यहाँ वाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू हो जाएगा c1 e की पावर माइनस x। ठीक है यस सर, सिद्धार्थ सुन रहे हैं कि नहीं, ऑप्शन ही होगा सर। और देखिए इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है सिद्धार्थ, देखिए इनिशियल कंडीशन आप एग्री हैं मुझसे, y1 जीरो की वैल्यू दी हुई है 2 और y2 जीरो की वैल्यू दी हुई है माइनस 1, एग्री हैं आप इससे मुझसे, यस सर, तो y2 0 इज इक्वल टू माइनस वन रखना है, उसका क्या मतलब हुआ,
एक्स इक्वल टू जीरो रखिए और करेस्पॉन्डिंग वाई टू की वैल्यू माइनस वन रखिए, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे, माइनस वन इज इक्वल टू सी वन, यानी वाई टू की वैल्यू आपको मिल गई। वाई टू की वैल्यू क्या मिली, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, एग्री? यस सर। वाई टू तो निकल गया, अब जब वाई टू निकल गया तो जब वाई वन पे आई जरा फर्स्ट इक्वेशन पे, अब यहां देख लीजिए एक चीज, अगर यहाँ पे x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, ऐसे बैठ करिए इसी पे देख लीजिए, एक तो x टेंड्स टू इंफिनिटी हो, एज x टेंड्स टू इंफिनिटी देन y इज व्हाट, y इज व्हाट, x अगर इंफिनिटी होगा तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस इंफिनिटी, e की पावर माइनस मतलब y2 टेंड्स टू जीरो लिखो। यस सर। ठीक है, मतलब अगर x टेंड्स इंफिनिटी होगा तो y2 टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, लेकिन एज x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी होगा तब तब देन y2 इज व्हाट, देन y2 इज व्हाट, इंफिनिटी माइनस इनफिनिटी। कुछ इसमें डिस्कार्ड करने का कोई मौका मिल रहा है, मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा पहले वाले को, इसमें से ऑप्शन जो दिए हैं उसमें से कोई डिस्कार्ड करने का मौका मिल रहा है कि बस मिल रहा है? बी और डी हो गए सर, नहीं डी हो गया सर, यहाँ से रॉन्ग, डी रॉन्ग हो गया, यही था ना सर कि उसमें बाई बन एक्स बाई टू एक्स इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, माइनस इनफिनिटी दिया है, हाँ मैंने ऑप्शन गलत लिखा था। ठीक है, इसमें इसके अकॉर्डिंग देखिए कौन सा डिस्कार्ड हो रहा है इसमें से ऑप्शन में, बोलिए x टेंस टू इनफिनिटी पे y1 y2 टेंस टू जीरो है, देखिए तो x टेंस टू इनफिनिटी पे x tends to infinity पे y2 tends to zero है, तो देखिए यहाँ भी जीरो दिया हुआ है, ठीक है, और x tends to infinity पे y2 tends to zero यहाँ भी दिया हुआ है, दिख रहा है आपको? Yes sir। यहाँ भी दिख रहा है, लास्ट में देखिए x y2 tends to माइनस इंफिनिटी एज एक्स टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है, इस वाले में ये भी तो सही दिखा है, ये भी तो आ रहा है आपके पास, और क्या बचा, एक्स टेंड्स टू वाई टू, यहाँ भी देखिए वही लिखा, मतलब आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप जो है इसके आधार पे जो है एक सॉल्व करके जो है काम बना लें ना, मतलब आपको वाई वन निकालना ही पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं, अब मैंने वैसे कोशिश की कि एक से ही काम बन जाए हमारा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन ये है ना, सिद्धार्थ बताएंगे, सिद्धार्थ ध्यान से देख लीजिए फिर बोलिएगा, सिद्धार्थ देख लीजिए ध्यान से फिर बोलिएगा, सिद्धार्थ देखा था ना, बोलिए y1 dash is equal to क्या लिखना है, y1 dash is equal to y1 y1 minus 2 e raised to power minus 2 e raised to power minus x, ठीक है, ये तो पहचानते हैं आप लोग, इसको इसको पहचानते हैं, ये इसका मतलब है डी वाई वन बाई डी एक्स माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स, ये प्लस टू में पढ़ा है सिद्धार्थ? यस सर। इसे क्या बोलते हैं,
होंगे। सर ये ये है क्योंकि फॉर्म में फर्स्ट ऑर्डर, हाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये लिखते थे आप डी वाई डी डी एक्स प्लस पी फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, ये होता है ना। यस सर। तो आप इसको पहले निकालते हैं ऐसे कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यस सर, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ओवर डी एक्स डी एक्स, फिर उसके बाद आप करते हैं इसका सोल्यूशन वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये यूज करते हैं ना। यस सर, याद आ रहा है। यस सर। तो अब आप देखिए उसको यूज करिएगा तो क्या हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको क्या दिखा आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर माइनस एक्स ना, है ना, क्वेश्चन का क्वेश्चन। और y1 into integrating factor is equal to right hand side minus 2 e to power minus 2x हो जाएगा, I think dx plus constant c2, इसको लिखा जाएगा e to power minus 2x plus c2, यहां से y1 की वैल्यू आई e की पावर माइनस एक्स प्लस सी टू ई की पावर प्लस एक्स, डिवाइड कर दिया मैंने। और वाई वन जीरो क्या दिया हुआ था बच्चा, आई नहीं वाई वन जीरो क्या दिया था सर, टू दिया था, वाई वन जीरो टू दिया था, इसका मतलब हुआ टू इज इक्वल टू वन प्लस सी टू, यानी कि सी टू इज इक्वल टू वन ना, यानी कि वाई वन की वैल्यू हो गई ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ये हो गया वाई वन। मैंने सही निकला है गलत, सही निकला होगा देख लीजिए आप, सही निकला है? सही निकला, यस सर। तो y1 पता चल गया, अब यहाँ बताइए sin x tends to infinity करें तो क्या होगा, c2 minus 1, x tends to infinity करें तो क्या आएगा y1, y1 क्या आएगा, x tends to infinity करेंगे तो y1 ये तो जीरो हो जाएगा और ये infinity हो जाएगा, तो y1 tends to infinity हो जाएगा, ठीक। बुरी आंसर, x1 infinity होने पे y1 infinity होता है, x1 इन्फिनिटी होने पे x इन्फिनिटी होने पे y2 जीरो होता है, एक इन्फिनिटी एक जीरो, आ गया आंसर। x इन्फिनिटी होने पे, x इन्फिनिटी होने पे y1 इन्फिनिटी होता है, ये करेक्ट, यस सर। अभी माइनस इन्फिनिटी वाला भी देख लीजिए, रुक जाइए भाई, हाँ x x माइनस इन्फिनिटी होने पे y क्या होता है, y2, अब बताइए यूज y1, सॉरी यूज माइनस इन्फिनिटी में तो y1 क्या होगा सर, मेरा सर सोल्यूशन मैंने जैसे दूसरे तरीके से किया ना, अरे पहले रुक जाइए, पहले ये बताइए y1 क्या होगा, x tends to minus infinity रखा तो y1 क्या आएगा, y1 tends to y1 infinity, y1 tends to infinity, तो चलिए अब इसमें देखिए कौन सा आंसर आएगा, कौन सा आएगा,
y1 इंफिनिटी और y2, हाँ c वाला करेक्ट है कि नहीं? सिंपल, यस सर, ये सही है, a और c, यस सर. हाँ प्लीज, अब आप बोलिए, आप कुछ अल्टरनेट बता रहे प्रोसेस. ठीक है सर, मैंने एक मिस्टेक की थी. अरे माइनस अल्टरनेट प्रोसेस बता रहे थे आप? नहीं सर, मैंने जैसे सॉल्यूशन दूसरे तरीके से निकाला तो मेरा मतलब माइनस का फर्क पड़ रहा था, तो फिर मैंने फिर से किया. मतलब अच्छा, मुझे लगा कि आपने, हमें लगा कोई आप कोई और मेथड अप्लाई कर रहे हैं. नहीं सर, मैंने वो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल से किया था ना, तो मतलब माइनस का फर्क पड़ता, फिर से किया तो मतलब यही आ गया सॉल्यूशन. अब उसको सी एफ पी आई लगा रहे हैं आप? नहीं प्रॉब्लम है, यस सर, कह रहे हैं कि आप उसको सी एफ पी आई लगा रहे हैं. मैं कह रहा हूँ प्लस टू से लगाइए, आप सी एफ पी लगा रहे हैं. उससे सर दो लाइन में हो रहा है. इसमें कौन सा बड़ा लाइन है? ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है. यस सर, ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया है, ये तो मैं इतना लिखने की जरूरत थी? ये तो मैं आपको प्रूफ कर रहा था, बता रहा था कि देखिए प्लस टू का है. मैं अपने स्टेटमेंट को, ये हुए पहले के स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा था. क्यों हितेश? मैंने पहले स्टेटमेंट कहा कि प्लस टू का क्वेश्चन है. yes. जो नेट में गलती से आ जाता है कभी कभी, और आप लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब ध्यान रखते हैं और प्लस टू वाला भूल जाते हैं. जानता अच्छा यही भूल गया होंगे, यही पूछते हैं नहीं? इससे मैं इसको जस्टिफाई कर रहा था. देखिए प्लस टू में मैट्रिसेस भी है, प्लस टू में ये सारे चीजें भी हैं. साइनी करी हम पढ़े नहीं है, साइनी ने बोला था ना? नहीं, सिद्धार्थ ने. अच्छा सिद्धार्थ ने, सिद्धार्थ ने बोला था. सिद्धार्थ नहीं सर, वो ऐसा कह रहे थे ना कि जैसे आपने पूछा ना किसका अच्छा है, तो सर यूनिवर्सिटी में अभी तक आया नहीं ना सर ओडी, तो उस हिसाब से बोलते सर, कॉलेज के हिसाब से नहीं. मतलब आप लोग एक दूसरे में कभी कैलकुलस यूज नहीं करते? तो केवल आप लोग केवल वही थ्योरी थ्योरी डिस्कस करते रहते हैं, तो कभी कभी अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए क्वेश्चन भी ऐसे लगा लेना चाहिए ना. यस सर, ऐसे लगा लेने पर लगता है ना कि इसे पढ़ी देखो ऐसे बिना, या इसके पहले क्या था, फटाफट लगा ले रहे थे लॉजिक दे दे के, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. इसको लगाएंगे तब पता चलेगा कि वाकई कितना टफ वर्क है ये सब पढ़ना ना. अप्लाइड बच्चे तो इसी में लगे रहते हैं, लगातार इसी को लगाते रहते हैं. चलिए, अब इसके बाद मुझे एक और क्वेश्चन आप लोगों को दूं, इनके ही हिस्से का है. वैसे मैंने थोड़ा सा बस बताया है. क्वेश्चन नंबर 10 मैं एक्चुअली इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बता देता हूँ, बाकी जो बोर वाला है वो काम हुए करेंगे. जो इंटरेस्टिंग है उसी को ढूंढ लिया मैंने. क्वेश्चन नंबर 10 मनिंदर कहाँ चले गए? यस सर, यहीं पे. कह रहे देखिए जो आसान वाला है मैंने ढूंढ लिया और टफ वाला आपके लिए छोड़ दिया है. लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड लेट MNR denote the space of all n cross n real matrices. रियल मैट्रिसेस. सबसे इंटरेस्टिंग थी इनकी स्टोरी रहती है ना. इफ पी सच दैट MN to MN, वही MN/R है, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन
the linear transformation. Linear transformation such that E of A is equal to 0. Whenever A belongs to MNR, okay, is symmetric or skew symmetric symmetric or skew symmetric, ठीक है? तो आपको बताना है rank of t is equal to option है पहला option है n into n plus 1 by 2 मनिंदर हेल्प करिए n into n minus 1 by 2 और c n और b 0 0 डिंपल बोले यस सर बहुत सही वेरी गुड मनिंदर 0 कैसे आएगा सर एक मिनट ये कहानी भाई मैं कह रहा था ना एक कहानी देखी इनकी इतनी सारी कहानी लिखे आंसर है 0 साइनी यस सर देखिए इतनी मेहनत करके लिखे और आंसर 0 यस सर कैसे आंसर 0 यानी आंसर 0 कैसे है यू आंसर 0 कैसे है सर जैसे इसने दिया हो ना कि टी ऑफ ए 0 है व्हेनेवर ए बिलोंग्स टू एमएनआर और सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो तो सर जब पहले हम ले लेते हैं कि ए सिमेट्रिक है अगर ए सिमेट्रिक है सर तो टी ऑफ ए 0 हो रहा है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सर जो नॉन ट्रिवियल एंट्री है वो n * n + 1 / 2 होती है तो सर इसका मतलब सर n into n plus 1 by 2 इतनी मतलब li वेक्टर्स तो होंगे नल स्पेस के पास उसके बाद सर स्क्यू सिमेट्रिक भी 0 है तो स्क्यू सिमेट्रिक की नॉन ट्रिवियल एंट्री n into n minus 1 by 2 है तो इसका मतलब सर ये n into n minus 1 by 2 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे li वेक्टर में तो टोटल जो है n into n plus 1 by 2 plus n into n minus 1 by 2 करेंगे तो मतलब ये नल स्पेस की डायमेंशन हो जाएगी जो कि n स्क्वायर है इसका मतलब सर नल स्पेस की डायमेंशन n स्क्वायर है तो रैंक नलिटी थ्योरम से नलिटी n स्क्वायर है तो रैंक 0 हो जाएगी अगला कहानी तो सिंपल है नहीं सोचा होगा जितना आप बता रहे हैं रैंक नलिटी थ्योरम वगैरह ये वो सिंपल आप बताइए आप सर जो भी मैट्रिक्स होगी ना सर उसको हम एक्सप्रेस कर पाएंगे ना सम ऑफ ये स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक बस वेरी गुड सुनिए आप रैंक नलिटी लगा दे रहे हैं पता नहीं कहाँ तो दिमाग है तो जरूरी थोड़ी ना कि उसका इस्तेमाल कर लीजिए सब यूज कर लीजिए यूज yes, कह रहे सारा इस्तेमाल कर लेंगे इतने छोटे से क्वेश्चन के लिए सारा लगा दे रहे हैं आप सर जो याद आ रहा है वो नहीं इतना खराब इतना खतरनाक मत याद किया करिए वो सारे हथियार तब यूज करने चाहिए जब आप एकदम फंस जाए समझ गए पहले जैसे मान लीजिए कि आपको छोटे मोटे मेथड्स ट्राई करने चाहिए बहुत सिंपल बेसिक्स ठीक है अगर देखें अगर इससे नहीं होता है तब आपको ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करना चाहिए पहले ही ब्रह्मास्त्र नहीं चलाना चाहिए ब्रह्मास्त्र चलाना कठिन कार्य होता है ना पहले छोटे मोटे कॉन्सेप्ट से इसको टैकल करने कोशिश करनी चाहिए देखिए इन्होंने एक लाइन बताई सुना आपने क्या बोला आप ही बताइए हर एक मैट्रिक्स को सर एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिख सकते हैं एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक ठीक है
ऐसे एक्सप्रेस करते हैं ना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ये वाला आपका स्क्यू सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है ना, ये सिमेट्रिक पार्ट है। एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सिमेट्रिक एंड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, आप आगे बताइए, अब क्या होगा, आपने एक्सप्रेस कर दिया। यस सर, टी ऑफ ए को सर हम लिख सकते हैं ना, ये टी ऑफ दिस प्लस दिस जो भी है, ये टी ऑफ ए इज इक्वल टू टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यस सर, इसको सी और डी मान ले, टी ऑफ सी प्लस डी लिख सकते हैं, तो टी ऑफ सी जीरो टी ऑफ डी जीरो, मतलब टी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो तो हो ही गया, तो जीरो तो यहाँ पे जो हुआ क्या, टी है क्या चीज, तो नल मैट्रिक्स हुई ना वो, टी क्या हुई, नल मैट्रिक्स मिलेगी ना, बोल नहीं रहे हो? यस सर। तो अगर रैंक क्या होगी नल मैट्रिक्स की, जीरो। बस अब देखिए कहाँ यहाँ रैंक नलिटी थ्योरम, कहाँ ये सब कुछ लगा, लगा नो सर। तो कोशिश आप जो है पहले किसी भी चीज को ट्राई करिए कि वो बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से हो जाए, अगर कोशिश करिए कि अगर प्लस टू स्टैंडर्ड से हो जाए तो और अच्छा है। ठीक है, थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाना चाहिए धीरे 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 धीरे। जैसे मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो सबसे पहले ही आपको सर्जरी कर देगा या कुछ और कर देगा, करेगा अगर अच्छा डॉक्टर हो तो। यस सर, उसको जानकारी है तो सबसे पहले सर्जरी ग्रीन कर देगा, चलो yes, काट के निकाल देते हैं, दर्द हो रहा है यहाँ पे काट के निकाल दो, हो गया सर्जरी। तो पहले वो कोशिश करेगा कि छोटे मोटे दवाओं से सही हो जाए, ठीक है, नहीं होगा फिर थोड़ा कोशिश करेगा बस थोड़ा सा और स्टैंडर्ड दवा यूज करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो लास्ट में काम करेंगे ब्रह्मास्त्र चलाने का ना। तो उससे क्या होगा कि आपका दिमाग पे प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और टाइम भी नहीं लगेगा, क्यों पीयूष? यस सर, आप ज्यादा सोच सोच के थक जाएंगे, ज्यादा सोच लेंगे थक जाएंगे जल्दी। अब और एक क्वेश्चन लिखिए, ये वैसे मैंने आई थिंक मुझे लगता है मैंने बताया होगा, जब इनर प्रोडक्ट मैंने पढ़ाया था ना आप लोगों, इनर प्रोडक्ट यूज, इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट बताया था ना? यस सर पढ़ाया सर। लेट वी बी द इनर प्रोडक्ट, अब एकदम बहुत आसान सोचिएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रॉडक्ट स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ, स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ, कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल P such that 0, 1, 2 R। सोचने में अच्छा ये है कि सब कुछ इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, दैट इज वी कंसिस्ट ऑफ, वी कंसिस्ट, कंसिस्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, polynomials P of the form, P of the form, P of the form, oh yeah, P of the form,
एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ए बी जहां पे रियल नंबर है, ए बी रियल नंबर है और विथ इनर प्रोडक्ट डिफाइंड बाय, विथ इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट डिफाइंड बाय, डिफाइंड बाय पी क्यू इज इक्वल टू जीरो टू वन पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू एक्स, पी एक्स फॉर पी कामा क्यू बिलोंग्स टू वी, ठीक है। आगे लिखिएगा एंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ वी इज, एंड ऑर्थोनॉर्मल नॉर्मल बेसिस ऑफ वी इज, ऑप्शन है वन और एक्स, बी ऑप्शन है वन और एक्स रूट थ्री, सी ऑप्शन है वन टू एक्स माइनस वन रूट थ्री, डी ऑप्शन है वन एक्स माइनस वन बाई टू। चलिए पीयूष बताइए आंसर पर देखिए, V with the inner product space consisting of linear polynomials P, form है P is equal to AX plus B, P is equal to AX plus B, ये है और PQ is equal to this much, PQ is equal to this much. कहा चले गए? यस सर बताइए सर, ऑप्शन से कर लेंगे वेरीफाई। ऑप्शन दो यस पुट करके देखेंगे ना सर, जिसके साथ ही ना, जैसे ऑप्शन ए में अगर सर हम पी एक्स क्यू एक्स ही है ना सर ये ऑप्शन में ना सर, जैसे पहला ऑप्शन तो नहीं होगा सर क्योंकि अगर इसको रखेंगे तो इनर प्रोडक्ट जीरो नहीं आएगा। एक मिनट सर, इसको भी रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय टू वन बाय टू, ये रूट थ्री बाय टू आएगा, ये भी नहीं, इनर प्रोडक्ट जीरो नहीं है तो बी भी रॉन्ग, सी रखेंगे तो सर डी होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। यस सर, पीयूष पीयूष हो गया, पीयूष ने बता दिया कि इसको सेटिस्फाई कर लेंगे और अब और कौन बताएगा? सर सी भी होगा है? सी भी होगा, सी भी होगा, कैसे सर? वन इंटू टू एक्स माइनस वन इंटू रूट थ्री आ जाएगा, टू एक्स माइनस वन इंटू रूट थ्री, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे एक साइड आ जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मतलब आंसर आएगा रूट थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, लिमिट जीरो टू वन, वन पुट करेंगे वन माइनस वन जीरो हो जाएगा और प्रोडक्ट सी वाला हो जाएगा,
सी हो गया यस सर, थ्री बन जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बन जाएगा ना रूट टू रूट थ्री टाइम्स, तो जीरो टू वन लिमिट है, तो वन माइनस वन करेंगे तो यूज यूज कहा क्या हुआ, ये तो सी भी कह रहे हैं लोग, सही है सर, नॉर्म होगी वन की, अब आप देखिए आप बताइए क्या होगी, नॉर्मल होगी कि क्या होगी सर, और तो नॉर्मल में जैसे नॉर्म भी बन चाहिए ना, नाम कैसे निकालेंगे नॉर्म के लिए सब ये एक्स क्यू एस को सेम रख देंगे ना, इन्हें प्रोडक्ट बनाना चाहिए तो बताइए क्या करें, कैसे निकालें, देखता हूँ सर। डिंपल यस सर, आप बताइए सर, मेरे को तो डी लग रहा है सर। अच्छा जी, चलिए हमें लगता है हमें सॉल्व कर लेना चाहिए कभी कभी ना, सॉल्व करते हैं ना, यस सर सॉल्व करते हैं, देखिए वन एंड ई एक्स प्लस बी विल बी ऑर्थोगोनल विथ विल बी ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल कब ऑर्थोगोनल होंगे, जब आपने बोला कि इनका इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, मतलब ई एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, सब में लीनियर ही है ना, यहाँ से आपको मिला कि क्या आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा और वन बाई टू प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब ए इज इक्वल टू माइनस टू बी टू बी, इसका मतलब ये हुआ इस रिलेशन के आधार पे वन कामा टू एक्स माइनस वन, ठीक है, वन कामा टू एक्स माइनस वन आर ऑर्थोगोनल, यही बोल रहे थे आप ना यूज, यस सर, वन कामा टू एक्स माइनस वन ऑर्थोगोनल होगा, होगा ना, अब लेकिन अभी हमें ऑर्थो नॉर्मल भी चाहिए, तो यहाँ तो सी भी दिख रहा है मुझे, डी भी दिख रहा है लगभग, यस सर लगभग ना, लेकिन अब देखते हैं ऑर्थो नॉर्मल कौन है, सी और डी दोनों दिख रहा है मुझे, नॉर्म देखेंगे सर, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर हो गया, अब नॉर्म देख चेक करना है, कंफर्म हो जाएगा कौन सा है ना, नॉर्म निकालते हैं, तो 2x माइनस 1 का नॉर्म, ठीक है, फॉर्मूला अंडर रूट 01 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही ना, यस मतलब ये इनर प्रोडक्ट अंडर रूट कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए जरा, तो कौन बताएगा, साइनी बताएंगे, साइनी की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, साइनी यस सर, इंटीग्रेट करके बताइए कितना आया, हम आपको भरोसे रहते हैं, चलिए जीरो टू वन है इंटीग्रेशन लिमिट, आया कुछ सर, वन बाय रूट थ्री साइनिंग ठीक है, यस सर, पीछे रह गए आप, वन बाय रूट थ्री इक्वेशन सॉल्व कर दिया, वन बाय रूट थ्री, तो अब जो टू एक्स माइनस वन के करेस्पॉन्डिंग जो आपका यूनिट वेक्टर हुआ वो क्या हुआ,
2x minus 1 divided by norm of 2x minus 1 ना, ये मिला 1 के corresponding unit vector मिला, वो हुआ 2x minus 1 to 3. अब मुझे बताइए orthonormal basis of V is what, क्या लिखेंगे, an orthonormal basis of V is what, 1, 2, बोली बोली 2x minus 1 into root 3. यस सर, सही है, हमें लगता है उतना ही टाइम लगेगा जितने में आपको सेटिस्फाई कराने में लगेगा ना. तो सी सही है, डी गलत है. ठीक है, उतना ही टाइम लगेगा जितने देर में आप ये करेंगे उतने देर में ये भी कर लेंगे, है कि नहीं. यस सर, और इससे इसको बताने का पर्पज ये था कि आप नार में निकालना जान जाए, ये भी चेक कर लें और पुराना कुछ याद आ जाए आप लोगों को. एक क्वेश्चन और बड़ा इंटरेस्टिंग मिला, कुछ आप लोग हेल्प भी करिएगा. क्वेश्चन ये है, आप लोग वैसे शाम को अपने डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे वैसे ही ना, मैं अगर फ्री रहा तो मैं आप लोगों को मैं जुड़ जाऊंगा, नहीं बिजी रहा तो नहीं जुड़ पाऊंगा, लेकिन वैसे मैं आप लोग अपने डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे. क्यों अनुज, डिस्कशन कंटिन्यू रखिएगा जहां से अभी फोर्थ पे चल रहे थे साथ पीयूष. हाँ सर, फोर्थ उसको डिस्कशन कंटिन्यू रखिएगा और जैसे खत्म होगा उसके बाद मनिंदर को, मनिंदर का डिस्कशन स्टार्ट कर दीजिएगा. मनिंदर, सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि सॉल्व करना है, नहीं? यस सर. हाँ, सॉल्व करिएगा मतलब उसको पूरे जो लोग हैं दर्शक दीर्घा में उनको सेटिस्फाई कराएं आप पूरा. यहाँ जी ये अपने मेरे लॉजिक है और ये चीजें हैं, शायद वायद शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, मैथ में शायद होता ही नहीं है. यस सर. और क्वेश्चन देखिए, लेट ए बी सी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, बी पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट b square plus c square is less than a is less than 1. ठीक है, consider the 3x3 matrices matrix A first column है 1BC, second column है BA0, third column है C01. ठीक है, ये दिया है. अब उसके बाद क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा लगा लेकिन जो है इसका ऑप्शन बड़ा खतरनाक लिखा हुआ था. ऐसे ऑप्शन लिखा हुआ है ऑल आइजन वैल्यूज ऑफ ए आर निगेटिव रियल नंबर, ऑल आइजन वैल्यूज ऑफ ए
all eigenvalues of A are positive real numbers. C, E can have positive as well as negative eigenvalue. Eigenvalues of A can be non-real complex number. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है. कौन बताएगा, कोई बता सकता है? ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन ए लेस देन वन है, 3x3 की आपको मैट्रिक्स दी हुई है, इसके आइजन वैल्यूज के बारे में बताना, बताइए. सर डी तो रॉन्ग होगा ना, क्योंकि सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसकी आइगन वैल्यू सारी रियल होगी. अच्छा सर डी तो रॉन्ग होगा, बाकी सर इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके अब सर नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे पहले इसको, फिर चेक करेंगे आइगन वैल्यूज के साइन. तो बताइए, करिए जल्दी से. यस सर कर. और कोई तत्व बताए तब तक ये नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं. सिद्धार्थ. यस सर बताइए. मैं भी रिड्यूस ही कर रहा था अभी नॉर्मल फॉर्म. सिंपल. यस सर बताइए. सर हम चेक कर सकते हैं ना कि सर अगर ए पॉजिटिव डेफिनेट है कि नहीं, तो वहां से भी आ जाएगा सर. सही बात है, अगर पॉजिटिव डेफिनेट होगा तो सारे आइजन वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगे. क्यों? यस सर. यस सर. अब ये है कि पीयूष जो है हमेशा बड़ा ही काम सोचते हैं, पता नहीं क्यों. पीयूष. यस सर. छोटे छोटे आइडिया क्यों नहीं आते आपको? इतने बड़े बड़े क्यों आते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि एक जैसे देखिए पॉजिटिव डेफिनेट चेक कर लें. यस सर, इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखें तो उसमें कर सकते हैं पॉजिटिव डेफिनेट. मैट्रिक्स की पॉजिटिव डेफिनेट बतानी है, पॉजिटिव डेफिनेट है कि नहीं है. पॉजिटिव डेफिनेट है तो आपको मिल जाएगा. यस सर. तो सारे आइजन वैल्यूज पॉजिटिव होंगे, यही ना यूज. यस सर. तो नॉर्मल फॉर्म छोड़िए, पॉजिटिव डेफिनेट पे आइए आप. पॉजिटिव डेफिनेट बताइए कैसे पॉजिटिव डेफिनेट बताएंगे. यूज क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखेंगे ना सर, तब सर एक्स वाई की वैल्यू पुट करते देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह मतलब क्या क्या आ रहा है. अरे आप ऐसे निकालते रह जाएंगे आप. पॉजिटिव डिफरेंस देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. आप क्या करिए, आप जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स होते हैं ना, उनका डिटरमिनेंट चेक कर लिया करना होता है. ठीक है, मैं लिख रहा हूँ. देखिए ये लीडिंग प्रिंसिपल सिचुएशन, यहाँ पर थोड़ी आइजन वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, दिक्कत है. यहाँ ए बी सी दिया हुआ है, इसलिए आपको ये एक अल्टरनेटिंग कॉन्सेप्ट यूज करना है. ये लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स,
तो जानते हैं ना लीडिंग प्रिंसिपल माइनर, प्रिंसिपल माइनस क्या है, एक तो डिटर्मिनेंट वन है, वन डिटर्मिनेंट ठीक है इज इक्वल टू वन, दूसरा लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ये देखिए यहाँ से लीडिंग प्रिंसिपल ये जैसे ना ये वाली ये वन क्रॉस वन की मैट्रिक्स, फिर दूसरा वाला ये वाली दिख रहा है आपको टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, जैसे वन क्रॉस वन की दिखी दिखी, ये लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स कहलाते हैं ना, ये लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स कहलाते हैं ठीक है। तो अब यहां पे आप टू क्रॉस टू में क्या था क्यूज क्यूज जरा बताइए, यहाँ डिटरमिनेंट क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, ए माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर होगा ना, यहाँ से यहाँ देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन ए, इसका मतलब ये हुआ कि सी स्क्वायर इज लेस देन ए माइनस बी स्क्वायर ठीक है, इसका मतलब हुआ ए माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर सही है ना, यूज़ ठीक है यस सर, और जाहिर सी बात है ग्रेटर देन सी स्क्वायर मतलब ग्रेटर देन जीरो, ये भी ग्रेटर देन जीरो, तो और एक तीसरा बचा तीसरा थ्री क्रॉस थ्री का माइनर, माइनर का डिटरमिनेंट ही हो गया, क्या था वो पूरा वन बी सी बी ए जीरो, वन बी सी बी ए जीरो क्या था लास्ट रो सी जीरो वन, सी जीरो वन इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, इसका डिटरमिनेंट सिंपल एक तो आप करेंगे तो कोएफिशिएंट ए आ जाएगा ना, ए हो गया फिर आ जाएगा आपका माइनस स्क्वायर आ जाएगा, और सी के करेस्पॉन्डिंग करेंगे तो आई थिंक माइनस ए सी स्क्वायर आ जाएगा, देखिए पता नहीं सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, सही है ये सर ठीक है। तो यहाँ पे ए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर आया आपका ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बात बताइएगा ए क्या था, ए ए क्या था देखिए पॉजिटिव क्या है, ए क्या है ए के बारे में कुछ दिया है, लेस देन वन क्या दिया, पॉजिटिव है सर लेस देन वन, तो मतलब कि अगर हम ए सी स्क्वायर की बात करें ठीक है लेस देन वन है ना, क्या था एक कहाँ गया कहीं लिखा तो था यहीं पे कहाँ गया, हाँ ए लेस देन वन था ठीक है, ए लेस देन वन है उसका मतलब हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर सही है, तो माइनस ए सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस सी स्क्वायर ठीक, तो मैं इसको यहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ इज ग्रेटर देन ए माइनस बी माइनस सी स्क्वायर, ये ठीक है कि नहीं देखिए यूज, ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटर देन दिस मच यूज, यस सर ये लिख सकते हैं इसको ए माइनस बी माइनस सी स्क्वायर, यस सर लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव है यूज, पॉजिटिव नेगेटिव बोल ही नहीं रहे, ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पॉजिटिव है या नेगेटिव,
पॉजिटिव होगा सर, जो रिलेशन दिया उसमें अगर सर इसको साइड ले जाएंगे तो ठीक है। तो अब बस उस सब देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स हैं, चाहे फर्स्ट ऑर्डर का हो, टू ऑर्डर का हो या थर्ड ऑर्डर का, तीनों क्या है, तीनों जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव डेफिनेट होगी। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर जो मैट्रिक्स है ए इज पॉजिटिव डेफिनेट। ए जो है पॉजिटिव डेफिनेट है, तो पॉजिटिव डेफिनेट है इसका मतलब सारे आइजन वैल्यू पॉजिटिव होंगे। यस सर। सो इट्स आइजन वैल्यूज, आइजन वैल्यूज आर पॉजिटिव। तो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है आपको। तो इसका आंसर हुआ क्या, नहीं लिखा था? अच्छा, बी वाला ऑप्शन, बी वाला था ना? यस सर। यस। चलिए ये हुआ। शाम को आप लोगों को डिस्कशन कंटिन्यू रखिएगा, अगर मैं फ्री रहा तो जो है जुड़ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 से पीयूष डिस्कस कर रहे थे ना, पता नहीं आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्या था। यस सर। क्या था 4 क्वेश्चन नंबर आपका? अच्छा, करना था, अभी कर रहे थे शायद, शुरू किया था आपने। यस सर, आई गिव माय सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, अब आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं अगर करना चाहें आप लोग तो। यस सर। या शाम को कंटिन्यू करें, कर सकते हैं सर, 2-3 क्वेश्चन कर सकते हैं। यस सर। चलिए कर लीजिए तब तक आप लोग, मैं अब डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू रहिए। ठीक है अनुज। यस सर। चलिए आप डिस आप कंटिन्यू करिए आप। यस सर। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है, जैसे ए जो है वो 4x4 की मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज रियल है और जिसकी आइगन वैल्यू -1, 1, 2 और -2 है। फिर भी बी एक मैट्रिक्स दी हुई है a^4 -5 × a² + 5 × i। तो हमें फिर ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें डिटर्मिनेंट और ट्रेस स्क्वायर हम पूछा है। पहले हम बी की आइगन वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए जैसे ए की आइगन वैल्यू अगर α1 α2 α3 है तो रिजल्ट हमें पता है कि a^4 की आइगन वैल्यू α1 की पावर 4 α2 की पावर 4 इस तरीके से होती है। तो ए की आइगन वैल्यू -1, 1, 2 और -2 है, तो a^4 की आइगन वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 4, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, -2 की पावर 4। तो a^4 की आइगन वैल्यू आ जाएगी 1, 1, 16 और 16। इसी तरीके से a² की आइगन वैल्यू आ जाएगी 1, 1, 4, 4 और थोड़ा नीचे करना। फिर 5 -5a² की आइगन वैल्यू में -5 का मल्टीपल आ जाएगा, तो -5 -5 -20 -20 और 5i की आइगन वैल्यू इसी 5 5 5 5। तो b की आइगन वैल्यू जो है a^4 -5a² और 5i की आइगन वैल्यू, इन सब का हम कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू को ऐड कर देंगे तो उससे हमारी b की आइगन वैल्यू आ जाएगी 1 1 1 और 1। तो अब जो हमारा ऑप्शन बी था उसमें कहा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ b 1 है, तो डिटर्मिनेंट क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है, तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ b 1 हो जाएगा क्योंकि 1 1 1 हमारी आइगन वैल्यूज है। उसके बाद हमें a प्लस बी का डिटर्मिनेंट और ट्रेस पूछा है, तो a की आइगन वैल्यू हमारे पास -1, 1 और 2 और -2 थी और b की आइगन वैल्यू 1, 1, 1 है, तो a प्लस बी की आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू को ऐड करेंगे तो 0, 2, 3, -1 आ जाएगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट a प्लस बी का, क्योंकि एक आइगन वैल्यू 0 है तो डिटर्मिनेंट 0 हो गया और ट्रेस 3+2 5-1 4, तो ट्रेस भी 4 है, तो ऑप्शन ए और डी यहाँ से करेक्ट हो गए। इसी तरीके से जो a माइनस बी की आइगन वैल्यू है वो -2, 0, 1, -3 है, तो उसकी ट्रेस -4 है, लेकिन ऑप्शन में कहा था कि ट्रेस ऑफ a माइनस बी 0 है, तो c यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका a, b और d होगा आंसर। a के लिए तुमने क्या बताया? ऑप्शन ए के लिए सर। अच्छा,
सर आइगन वैल्यू जीरो है ना एक ए प्लस बी की, तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। अच्छा यस सर, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज डिटरमिनेंट, मतलब एक आइगन वैल्यू जीरो बन जाएगी। यस सर। शाइनी है, शाइनी इससे पूछते सिद्धार्थ, सिद्धार्थ यस सर समझ आया क्या बताया पीयूष ने? सर थोड़ा मैं मिस कर गया था इसको स्टार्टिंग का। अच्छा अच्छा ऊपर करना थोड़ा। हितेश लाइट को कॉल करो। बताओ हितेश। यस सर। बताओ इस क्वेश्चन को सिद्धार्थ को। सर फोर्थ। हाँ फोर्थ, सिद्धार्थ मिस कर गया था। ओके सर। सर फोर्थ क्वेश्चन था कि ए बी ए 4x4 मैट्रिक्स है सर, ये पीयूष ने कि नहीं किया डिस्कस? नहीं सिद्धार्थ ने मिस कर दिया था। ओके सर ठीक। सर ये था कि ए बी ए 4x4 मैट्रिक्स है विद रियल एंट्रीज सच दैट ए की जो आइजन वैल्यूज हैं -1, 1, 2, -2 आर इट्स आइजन वैल्यूज, और हमें बी दिया है a4 -5a² + 5a, और आई जो है आइडेंटिटी है 4x4 की, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये पूछा गया हमें। तो सर सीधी ऐसी बात है, अब ए की आइजन वैल्यूज पता है तो ए बी की भी आइजन वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ से ही पता कर सकते हैं। तो माइनस वन के कोरस्पॉन्डिंग बी में आप इस पुट करेंगे तो ये सारी की सारी आइजन वैल्यूज जो है वो 1, 1, 1 आ जाएंगी। तो चाहे बी की मतलब आइजन वैल्यूज जो आ जाएंगी वो 1, 1, 1 आ जाएंगी। तो ये आ गई, इससे हम ये समझ आया ये? यस सर समझ आ गया। बी बट बी दिया है ना, बी किस तरह से एक्सप्रेस हो रहा है, ए की पावर ए 4 -5a² + 5y, तो हमारे पास जो आइगन वैल्यूज हैं 1 -1, 2 -2, तो तुम डायरेक्टली इसमें डाल सकते हो, ठीक है, बाय आइगन वैल्यू इक्वेशन से इसका आएगा। तो बी की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो होंगी तो 1 के करस्पॉन्डिंग चेक करें, 1 की पावर 4 -5 1² + 5 1, तो 1 आएगा। उसी तरह से तुम -1 के करस्पॉन्डिंग चेक करोगे तब भी 1 आएगा, और 2 के करस्पॉन्डिंग और -2 के करस्पॉन्डिंग भी 1 आएगा। तो इसका मतलब होगा बी की जो सारी आइगन वैल्यूज है 1 आ जाएंगी, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो अगर सारी आइगन वैल्यू 1 है तो डिटरमिनेंट कितना होगा इसका? 1। तो इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है ना? यस सर। अब बी की आइगन वैल्यू तुम्हें पता है सारी 1, 1, 1 है, ठीक है, और ए की आइगन वैल्यूज तुम्हें पता है, ए की आइगन वैल्यूज देखो तो इसमें -1 एक आइगन वैल्यू है और बी की सारी 1 है, तो यहां से क्या आएगा जब ए प्लस बी करोगे तो वहां से -1 और +1 करोगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक आइगन वैल्यू उसकी 0 होगी, ठीक है, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक। यस सर। उसके बाद है थर्ड ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ तो हो जाएगा इजीली है ना? यस सर। सी को कैसे डिस्कार्ड किया? सी चेक किया था? यस सर। यस सर आइगन वैल्यू सर -2, 0, 1, -3 आ रही है, यहीं पे की है सर आगे। यस सर ट्रेस -4 आ रही है। ओके ठीक है, मतलब 0 नहीं आ रही। किसी को कोई डाउट? विक्रम है डाउट? नो डाउट सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमें एम टू हमें दिया हुआ है कि ये सेट ऑफ ऑल टू क्रॉस टू रियल मैट्रिक्स है और ए जो है इसका कोई मैट्रिक्स है टू क्रॉस टू की जिसकी ट्रेस दी हुई है टू और डिटरमिनेंट दिया है माइनस थ्री। तो मैंने क्या कर दिया कि मैंने मान लिया कि लैम्डा वन और लैम्डा टू आइगन वैल्यूज है ए की, तो फिर मैंने गिवन कंडीशन का यूज़ कर दिया, ट्रेस टू दी थी, डिटरमिनेंट माइनस थ्री दिया था, तो मैंने आइगन वैल्यू निकाल दी ए की, तो वो आ गई माइनस वन और थ्री। उसके बाद क्वेश्चन आगे दिया होता कि कंसीडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी एम टू से एम टू पे जो कि डिफाइन है टी ऑफ वी इक्वल टू ए वी करके, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो जैसे कि मैंने ए की नीचे करना थोड़ा करना फाइव और ऊपर, तो आइगन वैल्यू हमारे पास माइनस वन और थ्री आ गई है, तो मैंने क्या कर दिया कि ए मैट्रिक्स को ले लिया, एक डायगोनल मैट्रिक्स ले ली माइनस वन जीरो जीरो थ्री जिसके आइगन वैल्यू माइनस वन है और थ्री है, और जो गिवन कंडीशन थी कि हमें ट्रेस जो है वो टू चाहिए, टू चाहिए और डिटरमिनेंट माइनस थ्री चाहिए, तो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करती हूँ हमने एक मैट्रिक्स ले ली ए। अब क्योंकि जो फिर मैंने स्टैंडर्ड बेसिस ले ली जो मतलब टू क्रॉस टू की मैट्रिसेस की होती है, जैसे पहले ए वन वन पे वन, फिर ए वन टू पे वन, फिर इस तरीके से, तो फिर मैंने स्टैंडर्ड बेसिस का यूज करके मैट्रिक्स टी बना दी, टी की मैट्रिक्स नीचे करना। तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई ट्रांसफॉर्मेशन टी की फोर क्रॉस फोर की, तो वैसे डायरेक्ट दिख रहा है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है, तो इसका मतलब एक ऑप्शन था हमारे पास सी ऑप्शन ए ऑप्शन की टी डायगोनलाइजेबल है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए जो है डायगोनलाइज मतलब टी डायगोनलाइजेबल है क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है। दूसरा इसकी आइगन वैल्यू सारी की सारी जो है नॉन जीरो है, तो सारी की सारी नॉन जीरो आइगन वैल्यू है, तो यानी डिटरमिनेंट जो है वो नॉन जीरो है, इसका मतलब टी जो है इन्वर्टिबल भी है, तो इसका मतलब सी भी करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन था टी इज इन्वर्टिबल। ऑप्शन बी बोल रहा है कि टू इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो टी की आइगन वैल्यू है वो जो है फोर और माइनस वन, थ्री और माइनस वन है आइगन वैल्यू, तो इसका मतलब टू आइगन वैल्यू नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। और डी बोल रहा था कि टी ऑफ बी इक्वल टू बी होगा फॉर सम नॉन जीरो बी के लिए, नीचे करना एक मिनट। तो ऑप्शन डी के लिए जैसे मैंने टी ऑफ बी इक्वल टू बी ले लिया, मैंने इन जनरल एक मैट्रिक्स ले ली बी एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और फिर मैंने जो इसने कहा था कि ए बी इक्वल टू बी होना चाहिए, तो फिर मैंने वो सेटिस्फाई कराया, तो यहाँ से हमारा जो एक्स वाई जेड डब्ल्यू वो जीरो आ रहा है, इसका मतलब बी के पास सिर्फ एक चॉइस है कि वो जीरो मैट्रिक्स होनी पड़ेगी अगर ए इंटू बी इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन डी कह रहा था कि किसी नॉन जीरो मैट्रिक्स बी के लिए टी ऑफ बी इक्वल टू बी है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर हम मैंने इन जनरल लेके देखा बी को तो वो जीरो मैट्रिक्स ही आ रही है, इसका मतलब डी भी रॉन्ग होगा, इसका मतलब इसका ए और सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हितेश तुम्हारा क्या कहना है इस पे? यस सर, यस सर, यस सर, यस करेक्ट बता रहा है यूज। यस सर प्रोसेस ठीक है। डिंपल? यस सर ठीक है सर, करेक्ट है। यस सर वेरी गुड यूज, अच्छा क्वेश्चन था ये। मनिंदर क्लियर है? यस सर। सिद्धार्थ? यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हितेश की टर्न है ना हितेश? यस सर। सर विजिबल है? हाँ विजिबल है। ओके सर। सर तो सिक्स्थ क्वेश्चन था कि ए बी ए टू क्रॉस टू नॉन जीरो मैट्रिक्स थी विद एंट्री सी सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, तो होनी चाहिए ये था।
तो इसके लिए फिर फोर ऑप्शंस थे कि पी ए पी इनवर्स इज डायगनल फॉर सम इनवर्टिबल टू क्रॉस टू मैट्रिसेस. फिर सेकंड था कि ए हैज टू डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यूज इन सी, ए हैज ओनली वन आइजन वैल्यू इन सी विद मल्टीप्लिसिटी टू, और लास्ट था कि एक आपको एक नॉन जीरो आइजन वेक्टर मिलेगा ए वी इक्वल टू वी फॉर सम वी बिलोंग्स टू सी टू. तो ये था नॉन जीरो वेक्टर वी जो होगा. तो इसके लिए ये ठीक है. यस सर. तो सर जैसे टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स है तो मैंने वैसे ही चला जैसे ऑप्शंस दिए थे. तो टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो हमें पता है कि नॉन नल निलपोटेंट मैट्रिसेस जो होती है वो डायगोनलाइजेबल नहीं होती है, और आइगन वैल्यूज जो होती है निलपोटेंट मैट्रिसेस की वो जीरो होती है. तो यहाँ से मैंने ए और बी को मतलब डिस्कार्ड कर दिया. अब रहा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी के लिए एक कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर मतलब एक वेक्टर ले लिया 0100. तो इसके लिए मैंने क्या किया, फिर एक्स जो है 10 है, तो मतलब इसका मतलब ये आ गया कि ए एक्स जब आप करेंगे तो वो नॉट इक्वल टू एक्स आएगा फॉर सम वी बिलोंग्स टू सी टू. तो डी ऑप्शन भी मैंने इसके लिए इनकरेक्ट किया. तो अब लास्ट था कि लास्ट ऑप्शन था सी ऑप्शन कि ए हैज ओनली वन आइजन वैल्यू इन सी विद मल्टीप्लिसिटी टू, तो वो तो जीरो है क्योंकि आइजन वैल्यू जो होती है निलपोटेंट नॉन एलिमेंट निलपोटेंट मैट्रिक्स की वो जीरो जीरो ही होती है. तो इसकी जो ऑप्शन रहता है सी वो करेक्ट किया मैं. डी को कैसे डिस्कार्ड किया सर, यहाँ पे बोला था ना कि एक जो है वी जो है नॉट इक्वल टू जीरो है. एक वेक्टर आपने ऐसा लेना है जो मतलब आइगन वेक्टर होगा ना वो नॉन जीरो आइगन वेक्टर लेंगे जो कि इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा ए वी इक्वल टू मतलब ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स ना सर. यस सर. डिंपल तुम्हारा क्या विचार है इस क्वेश्चन पे? सर ठीक ही लग रहा है सर मुझे. ठीक ही लग रहा है. फर्स्ट ऑप्शन में है कुछ डाउट? लास्ट ऑप्शन क्या था सर ये? यस सर. लास्ट ऑप्शन था ए वी इज इक्वल टू बी फॉर सम बी बिलोंग्स टू सी टू, मतलब कॉम्प्लेक्स वेक्टर वो बी नॉन जीरो दिया था. ये तो फॉल्स होगा सर. क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि वन तो आइगन वैल्यू है नहीं सर इसकी, वैसे ही टेस्ट ने बता दिया था. गुड फिकेश. यस सर. मनिंदर समझ आया? यस सर. क्यों लास्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हुआ सर? लास्ट ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट है. ए इज इक्वल टू बी दिया है ना किसी नॉन जीरो वेक्टर के लिए? यस सर. दिया है ना, तो अब ये कंडीशन तभी होल्ड करेगी जब वन उसका आइगन वैल्यू होगा. लेकिन इसका आइगन वैल्यू क्या है कि सर? जीरो. जीरो, तो मतलब ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब बी को जीरो लिया जाएगा. बस. ओके सर. ठीक. गुड. सिद्धार्थ. यस सर. सिद्धार्थ. यस सर. यस सर. सिद्धार्थ आवाज नहीं आ रही. फर्स्ट ऑप्शन कैसे डिस्कार्ड किया इसने? सर आप मुझसे पूछ. हाँ सिद्धार्थ तुमसे पूछता सर. इसके आइगन वैल्यू जीरो है ना सर, तो सर ये इन्वर्टिबल नहीं होगा ना? ऑप्शन ए तो ये कह रहा है कि एपी इनवर्स इज डायगोनल. सर फॉर सम इनवर्टिबल टू क्रॉस टू मैट्रिक्स. सर इनवर्टिबल तो सब तभी होगा इफ डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो. नहीं, ऑप्शन ए है ना, पी ए पी इनवर्स इज डायगोनल फॉर सम इनवर्टिबल टू क्रॉस टू मैट्रिक्स. अच्छा समझ गया. क्वेश्चन नंबर सेवन.
यस सर। सर तो सेवंथ था कि कंसीडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी थी आर सेवन टू आर सेवन, और वो इस तरह से डिफाइन की गई थी एक्स वन टू एक्स सेवन, और एक्स मतलब उसकी जो इमेज सेट था वो एक्स सेवन टू एक्स वन था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये मैट्रिक्स यहाँ पे बनाई, तो यहीं से सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा। सर जो इसका इमेज सेट बनेगा ये, वो ये बनेगा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके एंटी डायगनल में सारे वन वन है तो इन्वोल्यूटरी है। तो अब इन्वोल्यूटरी की प्रॉपर्टी होती है कि ए स्क्वायर जो होता है आई के बराबर होता है, और इसका जो डिटर्मिनेंट रहेगा वो प्लस माइनस वन रहेगा। अब क्योंकि ये जो है सेवन क्रॉस सेवन की है मैट्रिक्स है, तो सर अब इसका डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा। तो सर डिटर्मिनेंट इसका चेक करने के लिए सीधी सी बात है कि एक तो ये तो फिक्स रहेगा, जब आप इसको रो और रोज को इंटरचेंज करेंगे, तो जैसे इसको मैं अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना चाहूं, तो जैसे मैं लास्ट रो को फर्स्ट पे मतलब इंटरचेंज करूंगा तो माइनस साइन आता है डिटर्मिनेंट में, ये प्रॉपर्टी पता है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन टू द पावर थ्री, तो ये माइनस वन, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आ जाएगा वो माइनस वन आ जाएगा। यस। और सर इसका सेकेंड था कि ओके देर इज अ बेसिस ऑफ आर सेवन विद रिस्पेक्ट टू विच टी इज डायगनल, तो ये तो ट्रू हो गया। और सर थर्ड था कि टी टू द पावर सेवन इक्वल टू आई, लेकिन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो उसको होता है कि टी टू द पावर यस सर टी स्क्वायर इक्वल टू आई, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि टी सेवन जाएगा वो माइनस आई आ जाएगा ना। और सर डी था कि द स्मॉलेस्ट एन सच दैट टी टू द पावर एन इक्वल टू इवन, तो सर ये ट्रू है, क्यों? क्योंकि टी स्क्वायर इक्वल टू आई है तो एन इज इवन ना। डिंपल सर इसलिए इसको करेक्ट कर दिए। ओके डिंपल करेक्ट। यस सर। यस सर। चलें चलें आगे। यस सर। ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ हाँ पीयूष बोलो। सर मेरे को इसमें डाउट है ना, जैसे ऑप्शन बी कैसे है सर? ऑप्शन बी करना या एक्चुअली ये क्या है? हाँ सर बोलिए, तुम बोलो। श्री बोला है ना कि there is a basis of R7 with respect to which T is diagonal, तो सर इसमें हम basis क्या ले रहे हैं? 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0, मतलब R7 की standard basis लेंगे ना, तो यहाँ पे there is a basis of R7 with respect to which T is diagonal, तो T diagonal हो जाएगा ना सर, क्योंकि matrix जो है involutory matrix बन रही है ना, तो इसको अगर आप row को interchange करेंगे तो वो अगर determinant का रुको 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 इसका answer dimple बताएगा। dimple सर इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है ना सर, तो डायगोनलाइजेबल है, तो एक बेसिस तो मिलेगा इस राइट वेक्टर का जो जिसके रिस्पेक्ट में। यूज समझ ना सर, डायगोनलाइजेबल और डायगोनल में फर्क नहीं है, मतलब टी इज डायगोनल का तो मतलब ये होने का नहीं। रुको 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 फिर डिंपल थोड़ा एक्सप्लेन करना सर। जैसे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है ना सर, तो डायगोनलाइजेबल है हमेशा, तो एक सर जिसके जो आइगन वेक्टर आएंगे, मतलब कि सब मतलब जो आइगन वेक्टर है एक बेसिस मिलेंगे सर, जो आइगन वेक्टर्स होंगे उसके रिस्पेक्ट में सर हमेशा ही डायगोनलाइजेबल, मतलब यही है सर डायगोनलाइजेबल का कि एक बेसिस मिलेगा जिसके रिस्पेक्ट में जो टी की रिप्रेजेंटेशन होगी वो डायगोनल होगी। सो जो आइगन वेक्टर हमको मिलते हैं वो एक ऐसा बेसिस होता है जिसके रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स है अगर डायगोनलाइजेबल है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाती है उस रिस्पेक्ट में, जो आइगन वेक्टर से जो बेसिस बनेगा। समझ आया प्लीज? सर मुझे ये डाउट है, जैसे हम बोलते हैं रिजल्ट सर एवरी डायगोनल मैट्रिक्स, रुको रुको डायगोनलाइजेशन का जो है वो क्या प्रोसेस है, मतलब डेफिनेशन क्या है? बिल्कुल स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताओ डायगोनलाइजेबल की सर। यस सर। हाँ डायगोनलाइजेशन मतलब डायगोनलाइजेशन का बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन बताओ सर। एल्जेब्रिक मैट्रिक्स के इक्वल होने चाहिए फॉर ईच लैम्डा के लिए। नहीं नहीं इससे बेसिक सर पी इनवर्स एपी जो होगा वो डायगोनल आएगा ना। नहीं नहीं और जो डिंपल बता भी रहा है सर बेसिक सर डायगोनलाइजेशन हम यही कह रहे हैं आज की, हम एन आइगन वैल्यू मिलेंगी उसके करेस्पोंडिंग एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेंगे। सर वो तो ठीक है ना, ठीक है मेरा क्वेश्चन ही है ना सर, इसका बेसिक
सर क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ बोल रहा है कि टी डायगनल है, तो सर डायगनल और डायगनलाइजेबल अलग चीज नहीं है, क्योंकि जैसे स्टेटमेंट भी आती है सर एवरी डायगनल नहीं वो मैट्रिक्स कह इज रहा है डायगनल। ना कि नहीं, वो कह रहा है ना कि देर इज द बेसिस ऑफ आर सेवन, मतलब बेसिस की बात कर रहा है कि आर सेवन में कोई एक बेसिस ऐसा मिलेगा जिसके रिस्पेक्ट में टी डायगनल मैट्रिक्स बनेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि टी जो डायगनलाइजेबल होगा। सर वो मैट्रिक्स क्या होगी आई या माइनस, जैसे मान लो जैसे वेक्टर आ गया ना x1 x2 x so on up to x, x7, तो इसका मतलब tx1 is equal to lambda 1 x1 और t2 is equal to lambda 2 x2 और बेसिस बनाएगा ये, मतलब की और इसकी रिप्रेजेंटेशन देखे ना आप वो डायगनल में ही आएगी, lambda 1 lambda 2 lambda 3 वो डायगनल में ही आएंगे सारे, जो भी आइगन वैल्यू वो डायगनल में आएंगे सारे, और आइगन वेक्टर जो बेसिस बनेंगे वो जो आइगन वेक्टर का और उसके रिस्पेक्ट में जो ये रिप्रेजेंटेशन होगी वो डायगनली होगी। समझ आया? अगर x1 को आइगन वेक्टर ले लें पीयूष। सर रिप्रेजेंटेशन और t मतलब फर्क नहीं है सर इसमें, मतलब जैसे डायगनलाइजेबल के लिए तुम सर देखते हैं ना कि जैसे मतलब वो डायगनलाइज हो रही है, तो सर इसने तो बोला t इज डायगनल, तो s ये एक बेसिस होगी सर जिसके t डायरेक्ट डायगनल मिल जाए। t डायगनल होने का मतलब क्या है? उसका इमेज डायगनल हो तो इमेज में 7 क्रॉस 7 का मैट्रिक्स मिलेगा ना। और सर अगर डायगनल हो गया तो आई बनेगा ना, वो इन्वोल्यूटरी है। हां इन्वोल्यूटरी है तो सर डी रॉन्ग हो गया, स्मॉलेस्ट एन सच दैट ई रेस्ट और एन इक्वल टू आई इज इवन, तब से तब रॉन्ग नहीं हो गया। आइडेंटिटी जरूरी नहीं आइडेंटिटी बने, वो 1 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
बोलो आ भी सकता है ना सर, नहीं कैसे आ गया सर? सर डायगोनलाइजेशन का मतलब ही ये है ना कि हम ऐसा बेसिस ढूंढ रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन है वो डायगोनल आ जाए। अगर ऐसा बेसिस नहीं मिल रहा है तो नॉट डायगोनलाइजेबल, अगर ऐसा बेसिस मिल रहा है तो डायगोनलाइजेबल। यही बेसिक डेफिनेशन है इसके। वो ए एम जी एम जो हो वो एक टूल है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि मतलब एक तरह के टेस्ट हैं, जैसे वो ए एम जी एम बराबर हो, मिनिमल पॉलीनोमियल जो लीनियरली फैक्टराइज हो जाए, वो टूल्स हैं। लेकिन इसका जो बेसिक डेफिनेशन वो यही है कि जो ए की आइगन वैल्यू होंगी, यस सर, जैसे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एन आइगन वैल्यूज होंगी उसके करस्पॉन्डिंग एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिले, ठीक है? Yes, इसको अगर दूसरी सेंस में बोला जाए कि देयर एग्जिस्ट अ बेसिस जिससे वो मैट्रिक्स जो डायगोनल बन जाए, तो वही है। Yes, sir. बाकी sir, जो वो बी तो समझ आ गया ना सर? हाँ बोले। अब सर जैसे बी तो समझ आ गया ना, टी सर इनवोल्यूटरी है ना, इनवोल्यूटरी है तो सर अगर टी स्केयर इक्वल टू आई है और डायगोनल मैट्रिक्स में सर आई है माइनस आई है, दो ऑप्शन रहेगी फिर इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि सर इसकी टी सेवन के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता ना, टी सेवन में भी ना हो आई, मतलब वो इवन के लिए चलेगा ना, जैसे टी स्केयर इज इक्वल टू आई है तो इवन के लिए कंफर्मली बोल सकते हैं, कंफर्म है कि वहां पे आई रहे, लेकिन टी के लिए नहीं बोल सकते। तुम एक काम करना, चेक करना, मैं पीयूष का क्वेश्चन समझ गया। मैं भी समझ गया, पीयूष के लिए थोड़ा ऐसे होमवर्क देते हैं। पीयूष यस सर, तुम एक काम करना, अब एक 3x3 का मैट्रिक्स लेना इनवोल्यूटरी, ठीक है, और उसका देखना कि ए क्यूब क्या आ रहा है, मतलब ए की पावर 3 रखने पर, ए को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, ठीक है? लेकिन टी को आई कैसे लेंगे हम, वो दिया है ना उसने ट्रांसफॉर्मेशन,
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है ना हमारे पास, तो वही आएगा जो मतलब उसका मैट्रिक्स बनेगा उसके रिस्पेक्ट में। तो सर अगर डायगोनल मैट्रिक्स आ रही है टी, तो सर डायगोनल मैट्रिक्स जो सर होती है मतलब इनवोल्यूटरी, तो वो आई और माइनस आई दो ही ऑप्शन होते हैं ना, मतलब आई तो माइनस आई तो P7 माइनस आई आ जाएगा ना फिर, मतलब आई तो नहीं रहा ना तुम्हारा, उसमें कंडीशन स्ट्रिक्टली बोला गया कि T7 इज इक्वल टू आई। सर मैं डी ऑप्शन की बात कर सर, सी नहीं। अच्छा डी, डी में क्या बोला तुमने? सर ये कह रहा ना कि स्मॉलेस्ट n सच दैट t टू द पावर n इक्वल टू i इज इवन, तो सर हमेशा होना चाहिए ना ये फिर, अगर ट्रू है तो। नहीं तो इसने स्मॉलेस्ट n कह दिया है ना, तो स्मॉलेस्ट n किसके लिए ट्रू है? ये t उस ऑपरेटर की बात कर रहा है जो t मतलब यहाँ पे दिया है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें मैट्रिक्स मिल रहा है 7x7 का उसकी बात हो रही है, तो कब आइडेंटिटी बन रहा है? स्क्वायर पे, और स्क्वायर ही सबसे स्मॉलेस्ट मतलब टू ही सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर है जिस पे वो tn जो है आइडेंटिटी बन रहा है, तो करेक्ट नहीं हो गया ये सर इस बेसिस के लिए हो ना? हाँ सर, और क्वेश्चन था मेरा ना, जैसे नहीं, सर इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स तो हमेशा t² = i रहता है, हां t² i हमेशा रहेगा, t7 के लिए गारंटी नहीं है। जैसे अगर T6 होता है 6x6 की मैट्रिक्स, तब तुम कह सकते थे तब दो ऑप्शन रहने थे, लेकिन यहाँ पे एक आइगन वैल्यू मतलब -1 रहेगी रहेगी उसमें, तो आई नहीं आ सकता, हमेशा नहीं कह सकते। तुम्हें डिंपल की डेफिनेशन समझ आई ना, मतलब क्यूश? ये सर वो तो समझ आ गया ना, बी तो लग गया पता। सर मैं ये कह रहा हूँ ना कि हमने जो ए टी बनाया ये तो हमने सर स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में बनाया ना, इसका डाउट भी डिंपल, डिंपल बता। यस सर, तो स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में बनाया ना, तो दो कोई भी, तो कोई भी बेसिस लेगा ना तो उनकी मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन सिमिलर ही होती है, चाहे अगर जितने मान लो जैसे कोई भी दो बेसिस ले तो अलग अलग इंडिपेंडेंट है चॉइस ऑफ बेसिस, चाहे तो कोई स्टैंडर्ड बेसिस ले, तभी तो हम अपनी मर्जी से कोई भी बेसिस चूज कर लेते हैं, क्योंकि उस पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर रैंक सेम है तो रैंक सेम ही रहेगा हमेशा, सिमिलर होती है दो कोई भी दो मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो अगर स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में ये रिप्रेजेंटेशन है तो इसका मतलब उस बेसिस के रिस्पेक्ट में भी सिमिलर ही रहेगी वो मैट्रिक्स। अगर यहाँ पर आइगन वैल्यू अगर -1 आ रही है तो वहां भी आइगन वैल्यू -1 आएगी, इसमें 4 आइगन वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना तो 3 नेगेटिव आएगी, इसमें 3 -1 है 4 और 4 1 पॉजिटिव है, तो उस केस में भी जो मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन बनेगी डायगोनल में उसमें 3 जो है नेगेटिव बनाएगा 4 पॉजिटिव आएंगे, तो उस केस में भी सिमिलर, क्योंकि टी आइडेंटिटी नहीं है तो टी आइडेंटिटी नहीं हो सकता वहां पर, तो अगर टी इनवोल्यूटरी जरूर होगा तो t² = आइडेंटिटी जरूर होगा, तो जो एन है स्मॉलेस्ट एन वो 2 ही होगा, मतलब कि इनवोल्यूटरी है तो 2 ही होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का केस हट जाएगा वहां पर क्योंकि टी आइडेंटिटी नहीं है, टी गिवन है ना हमें। यस सर, क्लियर सर। एट क्वेश्चन। यस सर, तो एट क्वेश्चन था कि लैम्डा और म्यू जो है दो डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यूज हैं 2x2 मैट्रिक्स की, तो हमें बोलना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, तो सर इसके लिए ओके सर, तो ये था कि अगर लैम्डा और म्यू जो है दो डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यूज हैं तो ए स्क्वायर हैज आल्सो डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यूज, तो ये तो यहां से ही क्लियर है क्योंकि अगर जैसे 1 और 2 अगर आइजन वैल्यूज हैं तो इसकी ए स्क्वायर की जो है हो जाएंगी वो 1 और 4 हो जाएंगी, तो विच आर आल्सो डिस्टिंक्ट, तो ये तो ट्रू हो गया, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब सर ऑप्शन बी था, सर ऑप्शन बी हमें गिवन था कि ए क्यूब की जो वैल्यू होगी वो ये आ जाएगी, लैम्डा क्यूब माइनस म्यू क्यूब ओवर लैम्डा माइनस म्यू टाइम्स ए माइनस लैम्डा म्यू टाइम्स लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स आई, ये था। तो इसके लिए सर मैंने कैलकुलेशन की है थोड़ी सी, तो सर जैसे ये था तो डिटर्मिनेंट इसका गिवन था, ट्रेस भी पता मतलब लग जाएगा पता, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल इसकी ये बन जाएगी, तो यहाँ से अब केले हैमिल्टन थ्योरम बोलती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइड इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी, ए स्क्वायर ये आ गया,
अब यहाँ पे हमें चाहिए ए क्यूब, तो मैंने ए ए से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया, तो ए क्यूब की जो फाइनल वैल्यू आई वो ये आ गई जो कि हमें ऑप्शन में गिवन थी, तो सर ये बी भी करेक्ट कर दिया। अब क्योंकि ट्रेस ऑफ ए टू द पावर एन ये बोल रहा है कि ट्रेस ऑफ ए टू द पावर एन इक्वल टू लैम्डा टू द पावर एन प्लस म्यू टू द पावर एन, सर ये भी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर जो ट्रेस ट्रेस ऑफ ए है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया था वन और टू, तो जैसे ये था ना सर कहाँ गया ये सर, तो ट्रेस ऑफ ए टू द पावर एन, तो अगर जैसे डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसकी लैम्डा और म्यू डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यूज हैं, तो उसका जो स्क्वायर का सम होगा वो भी इसका ट्रेस ही आएगा ना सर, ट्रेस ऑफ ए टू द पावर एन, तो ये इसका ट्रेस आ जाएगा, ये सीधा सीधा मतलब है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन, तो ए एन इज नॉट ए स्केलर मल्टीपल। तो सर जो ये ऑप्शन डी है, तो ए सर इसमें बोला था कि ए कहां गया ओके ए एन इज नॉट ए स्केलर मल्टीपल, तो सर ये भी नहीं होगा ना, क्योंकि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, तो सर जैसे मैं वन और टू लेता हूं, तो सर इसका जो ए टू हो जाएगा वो वन और फोर आ जाएगा, तो अब इसमें जो है कोई स्केलर कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये ए एन इज नॉट ए स्केलर मल्टीपल, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू, तो मैंने इसको फिर चार ऑप्शन ट्रू करी। तो सर वन और माइनस वन भी हो सकती है, तो सर ए स्क्वायर की डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू उस केस में नहीं होगी ना, वन वन हो जाएगी। डाउट समझ आया? ओके सर। ए ऑप्शन हमेशा नहीं करते हैं, हमेशा नहीं कहा जाता, गुड बाकी तो करेक्ट है। बी ऑप्शन पे क्या विचार है तुम्हारा पीयूष सर? एक बार रिपीट कराना सर, एक बार तुम्हारा क्या विचार है, रिपीट क्या करना, तुम क्या सोचा है, तुमने क्या सोचा है इसके ऑप्शन बी? यस सर। हाँ तुम्हारा क्या विचार है इस क्वेश्चन पे, मतलब सी डी ऑप्शन पे, डी कैसे डिस्कार्ड करेंगे? विक्रम विक्रम चलो हितेश तुम ही बता दो सर, कौन सा? अच्छा इससे दिया है एग्जांपल, एग्जांपल से तो दिया है तुमने। यस सर। इसमें सेकंड ऑप्शन से ही दिख रहा है डायरेक्टली, मतलब जब भी कैली हैमिल्टन थ्योरम लगाएंगे तो वहीं से डायरेक्टली हो जाएगा ये डी ऑप्शन इसका। चलो शाम को करते हैं डिस्कस, है ना? तुम्हारे कितने क्वेश्चन बचे हितेश? तीन ना सर, ये बचे हैं, इसको कर लेते हैं, दो तो बचे हैं। नहीं 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 अभी हो गया, शाम को करते हैं ठीक है? ओके सर। शाम को तुम्हारा है और उसके बाद मनिंदर, मनिंदर यस सर रेडी रहना शाम 4 बजे। यस सर। ओके तो लीव कर सकते हो आप।